कौन है फिल्म पुष्पा के विलन और क्यों हुए हैं वो इतने मशहूर, वहीं कैसी है पुष्पा की हीरोइन रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट्स, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर हम आपसे पूछें कि आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन है या फिर कौन सी एक्ट्रेस है जो आपकी करंट क्रश है, तो किस एक्ट्रेस का नाम लेंगे आप? कहीं ये नाम साउथ की ब्यूटीफुल और क्यूट एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का तो नहीं? कन्नड़ सिनेमा की खूबसूरत और लोकप्रिय एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के फैंस को उस वक्त सबसे बड़ा सरप्राइज मिला जब सर्च इंजन गूगल ने एक्ट्रेस को नेशनल क्रश ऑफ इंडिया 2020 फीमेल घोषित किया। गूगल ने नेशनल क्रश सर्च करने पर रश्मिका का नाम परिणामों में मिलता है और इसके बाद ट्विटर पर भी रश्मिका नेशनल क्रश हैशटैग के साथ ट्रेंड करने लगी है और उसके बाद ही रश्मिका ने इसका स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया। उन्होंने इसके साथ लिखा, मेरे फैंस वाकई लेजेंडरी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा। मेरा दिल मेरे फैंस के पास है। 24 साल की रश्मिका दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में भी काफी लोकप्रिय है। रश्मिका ने कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है और रश्मिका ने 2016 में किरिक पार्टी फिल्म से कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू किया था। इस फिल्म में रश्मिका की अदाकारी खूब तारीफ की गई थी और फिल्म उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी, जिसमें से एक साल बाद ही 2017 में एक्ट्रेस ने फिल्म के हीरो रक्षित शेट्टी के साथ सगाई रचा ली थी। लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों के ब्रेकअप की खबरें सामने आने लगी। यही ब्रेकअप उनका ग्लो अप साबित हुआ क्योंकि महज 24 साल की ये अभिनेत्री साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी है और बड़े बड़े नामचीन एक्टर्स के साथ रश्मिका की जोड़ी बनाई गई, जिसमें एक नाम फिल्म पुष्पा का सामने आया और पुष्पा में रश्मिका साउथ के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ दिखाई देंगी। फिल्म की स्टोरी लाइन बेहद इंटरेस्टिंग है और आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में बुनी जा रही है। इस एज गैप को बनाए हुए रश्मिका जल्द ही ज्योतिका के पति यानी सुपरस्टार सिंघम सूर्य के साथ काम करने जा रही हैं। टॉलीवुड अभिनेता सूर्य, जो अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सोराराई पोट्रो की सफलता के बाद अपनी अगली फिल्म पर फोकस कर रहे हैं और उनकी 40वीं फिल्म होगी। ट्विटर पर पहले ही ये घोषणा की जा चुकी है कि अभिनेता निर्देशक पंडी राज के साथ एक फिल्म कर रहे हैं और फिल्म में सूर्य के अपोजिट रश्मिका मंदाना होंगी। वहीं सूर्य, महेश बाबू और अल्लू अर्जुन तीनों ही शादीशुदा एक्टर्स हैं। अल्लू अर्जुन इस लिस्ट के सबसे जवान शादीशुदा हीरो हैं और एक पिता भी हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी बेटी अल्लू अर्हा का जन्मदिन पुष्पा के सेट पर मनाया। बता दें, इस वक्त पुष्प की शूटिंग आंध्र प्रदेश में हो रही है और वहीं अपनी पॉपुलैरिटी के चलते रश्मिका अपने से 13 साल बड़े एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही है। लेकिन सारी लेरू निक्की वारू ने में अपने से 20 साल बड़े एक्टर महेश बाबू के साथ काम करने के बाद अल्लू अर्जुन के साथ इस बड़ी फिल्म के ऑफर को कैसे मना कर सकती थी अभिनेत्री? वहीं याद आती है फिल्म ए दिल है मुश्किल, जब रणवीर कपूर ने 9 साल बड़ी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर अपने से छोटी उम्र के हीरो के साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे। देखिए कैसे समय बदल गया। वहीं क्या समय सही में बदल गया या केवल समय मेल एक्टर्स के लिए समय बदला है? साथ ही क्या वजह है कि फिल्म पुष्पा में विलेन विजय सेतुपति इतने मशहूर हैं? अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके विजय सेतुपति साउथ के राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना कहे जाते हैं, जिसके फल स्वरूप वो आमिर खान की अगली फिल्म में भी काम करने जा रहे हैं। एक एक्टर के साथ विजय प्रोड्यूसर, लिरिकिस्ट और डायलॉग राइटर भी हैं और विजय तमिल फिल्मों में मुख्य रूप में काम करते हैं। इसके अलावा कुछ तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। अभिनेता को उनके प्रशंसकों और मीडिया द्वारा मक्कल सेल्वन के रूप में जाना जाता है। पिज्जा, सुपर डिलक्स और पेटा जैसी विजय सेतुपति की फिल्मों ने अभिनेता की वर्सिटैलिटी को दिखाया। विजय ने कई अवार्ड्स को अपने नाम किया है और अपने आगे की फिल्मों के साथ वो अवार्ड्स का सिलसिला बरकरार रखेंगे और जल्द ही वो रितु हसन के साथ फिल्म लाबम में भी दिखाई देने वाले हैं। तो क्या एक मुख्य खलनायक का अवार्ड जीतने के बाद पुष्पा में विलेन का किरदार निभाना आसान होगा? विजय सेतुपति के लिए क्या होगा? वहीं क्या विजय की पॉपुलैरिटी टक्कर देगी अल्लू अर्जुन और रश्मिका की पॉपुलैरिटी को? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन रावत ने लिखी है। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है। दोस्तों, क्यों
फिल्म पुष्पा की मजबूत कड़ी और एक्टर विजय सेतुपति हो रहे हैं ट्विटर पर बदनाम। आंध्र प्रदेश के जंगलों में हुई फिल्म पुष्पा की शूटिंग शुरू, और क्या इस बार अल्लू अर्जुन सहित फिल्म के सभी सितारे मनाएंगे जंगल में दिवाली? दोस्तों, आपने जंगल में मंगल की कहावत तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने जंगल में दिवाली के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, इस बार लगता है स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन अपनी दिवाली जंगलों में रश्मिका मंदाना के साथ मनाने वाले हैं। 12 नवंबर से शुरू हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की शूटिंग के लिए आंध्र प्रदेश के शेषचलम जंगलों में पहुंची पूरी टीम। जी हाँ दोस्तों, फिल्म से अल्लू की तस्वीर सामने आई जिसमें वो ब्राउन रंग की शर्ट और पैंट में दिखाई दिए हैं। उनका चेहरा तस्वीरों में नहीं दिखाया गया, लेकिन पुष्पा के पोस्टर से मिलता जुलता दिखाई दिया बन्नी का अवतार। जी हाँ दोस्तों, अल्लू अर्जुन के जन्मदिन यानी कि 8 अप्रैल पर निर्माताओं ने पुष्पा के पहले फर्स्ट लुक पोस्टर को साझा किया और उसके शीर्षक को भी रिलीज किया, जो कुछ समय में सोशल मीडिया पर वायरल होता भी नजर आया। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए निर्माता इसे कम से कम चालक दल के साथ शूट करने की योजना बना रहे हैं, और फिल्म टीम में शामिल प्रत्येक तकनीशियन को नियमित आधार पर कोविड-19 परीक्षण देने के लिए कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अल्लू अर्जुन 2021 की शुरुआत में फिल्म को पूरा करने की योजना बना रहे हैं और फिर अपनी अन्य चीजों पर काम करने की सोच रहे हैं। हम आपको बता दें, फिल्म रश्मिका मंदाना एक वन अधिकारी की भूमिका निभाती नजर आने वाली है। ट्विटर पर फिल्म के सितारे और तमिल अभिनेता विजय सेतुपति ट्रेंड कर रहे हैं, और ये ट्रेंड दोस्तों नेगेटिव वजह से है, और इसका न सिर्फ क्रिकेट से संबंध है बल्कि पड़ोसी देश श्रीलंका से भी ये जुड़ा हुआ है। दोस्तों, विजय सेतुपति श्रीलंका के स्पिनर मुथिया मुरलीधरम की बायोपिक में काम कर रहे हैं, जिसका पहला मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है। ये मोशन पोस्टर रिलीज होते ही तमिल लोगों ने विजय सेतुपति पर हमला बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि लाखों तमिलों के हत्यारे श्रीलंका देश के क्रिकेट सितारे की बायोपिक में काम करना एकदम गलत है। जी हाँ दोस्तों, मुथिया मुरलीधरन पर बन रही इस फिल्म का नाम 800 है। ट्विटर पर अब तक लाखों लोग #ShameOnVijaySethupathi के साथ ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, लोग विजय सेतुपति की फिल्मों के बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं। वहीं क्या इस फिल्म की वजह से विजय का फिल्म पुष्पा में काम करना तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, जब फिल्म के सितारे विजय सेतुपति मुश्किलों में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ फिल्म की हीरोइन रश्मिका भी इन इनकम टैक्स के चक्रों में फंसी हैं। साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना कई तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी हैं, वहीं साउथ में अब वो एक जानी मानी एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं। दोस्तों, रश्मिका को साउथ की सबसे महंगी हीरोइन भी कहा जाता है, और वहीं रश्मिका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। अधिकारियों की जांच पड़ताल दौरान एक्ट्रेस के घर से 25 लाख रुपए बरामद हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, कैश के अलावा घर से प्रॉपर्टी के कागज भी बरामद हुए हैं। वहीं रश्मिका के माता पिता इनकम टैक्स के छापे पर कुछ भी बात करने से बच रहे हैं। रश्मिका के बैंक की भी जानबीन की जा रही है, और रश्मिका केवल 24 साल की हैं, और इतनी सी उम्र में उन्होंने डियर कॉमरेड जैसी सुपरहिट फिल्मों के साथ, महेश बाबू और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका पाया। दोस्तों, वहीं क्या आप जानते हैं साउथ की इस चुलबुली सी दिखने वाली एक्ट्रेस के पीछे छुपी है एक दुख भरी दास्तान? हजारों को अपनी क्यूट अदाओं से घायल कर की हैं रश्मिका। अपनी सगाई टूटने की वजह से काफी मायूस थी, लेकिन अपनी इस मायूसी को एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर से दबा दिया। दोस्तों, 2017 में रश्मिका ने अपनी फिल्म किरिक पार्टी में हीरो रक्षित शेट्टी से सगाई रचा दी थी, लेकिन तालमेल ना बन पाने की वजह से दोनों ने 2018 में सगाई को तोड़ दिया। दोस्तों, वहीं क्या गुड़ चाहती हैं अपने फ्यूचर हस्बैंड में रश्मिका मंदाना? तो बता दें दोस्तों, रश्मिका को कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान जीवन साथी के रूप में चाहिए। इतनी महंगाई में अच्छा इंसान मिल पाना थोड़ा मुश्किल है रश्मिका। देखिए, अगर अमीर आदमी से ही काम चल जाए तो अर्जुन रेड्डी बाइक उठाए तैयार होंगे। वहीं रश्मिका 2021 की शुरुआत में अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा में दिखाई देंगी, साथ ही उनकी दूसरी फिल्मों में पोगरू और सुल्तान शामिल हैं। तो दोस्तों, क्या है आपकी नजरों में कोई रश्मिका के लिए सूटेबल दूल्हा? कौन से यंग बॉलीवुड एक्टर के साथ जोड़ी जम सकती है रश्मिका की फिल्मों में? हमें अपने जवाब जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट। फिल्म पुष्पा की कहानी पर लगा गया है बैन, क्यों फिल्म को बंद करना पड़ सकता है डायरेक्टर सुकुमार को, और क्या विशाखापट्टनम पहले पहुंची पुष्पा की टीम? क्या लेना देना है इस लोकेशन का फिल्म से? अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म पुष्पा पर एक साहित्यिक साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसे मूल रूप से लेखक वेमपल्ली गंगाधर ने लिखा था।
वेमपल्ली ने दावा किया है कि फिल्म पुष्पा की कथानक उनकी तमिल कहानी कुली के सामने से है, जो कुछ समय पहले प्रकाशित हुई थी। वहीं बता दें, फिल्म पुष्पा एक तेलुगु एक्शन फिल्म होगी, जो क्या साउथ को दी प्रमुख भाषाओं के बीच आई दरार। हाल ही में लेखक वेमपल्ली गंगाधर ने एक पोस्ट डाली, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे फिल्म पुष्पा की कहानी के रूप से वही कहानी थी जो लंबे समय पहले प्रकाशित हुई थी। लेखक ने यह भी बताया कि वह विवाद को भड़काने की कोशिश नहीं है, बल्कि जनता को पूरे मामले के बारे में जागरूक करने की एक छोटी सी कोशिश है। उन्होंने कई तस्वीरें भी पोस्ट की, जो साबित करती है कि फिल्म को कहानी उनकी कहानी के समान है। वेमपल्ली गंगाधर आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक लेखक हैं। 2011 में उनकी लघु कहानी संग्रह मोलाकला पुन्नमी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। गंगाधर के पुरस्कार विजेता प्रस्तुत मोलाकला पुन्नमी 13 लघु कथाओं का संग्रह है। यह किसानों की दशाओं से इर्द गिर्द बुनी गई है। तेलुगु कवि गंटूरु शशेंद्र शर्मा ने पुस्तक के लिए अग्रह लेख लिखा था। उनकी किताब माय नापू वो मालू ने अमरीकी तेलुगु एसोसिएशन पुरस्कार जीता। किताब सक्सेस वर्कर्स के बारे में थी। इस विषय पर फिल्म के निर्माताओं द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। हाल ही में चिरंजीवी अभिनेत्री फिल्म आचार्य को भी साहित्यिक चोरी के लिए दोषी ठहराया गया है। लेखक राजेश मंडूरी ने भी दावा किया है कि फिल्म की पटकथा उनकी फिल्म के समान थी। वहीं पुष्पा सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित नई तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में होंगे, साथ ही प्रकाश राज और जगपति बाबू सहायक भूमिकाओं में होंगे। यह फिल्म दिवाली में रिलीज होने वाली थी, लेकिन महामारी के कारण इसकी रिलीज आगे खिसका दी गई। निर्माताओं ने पहले ही इस फिल्म से अल्लू अर्जुन को फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया था, जिसने फिल्म प्रेमियों और अल्लू के प्रशंसकों के बीच अच्छी चर्चा पैदा की। अब सुकुमार की फिल्म पुष्पा के सेट से एक तस्वीर लीक हुई है, जिसमें अल्लू अर्जुन का शानदार अवतार और दाढ़ी वाला लुक सामने आया है। बनी इस फिल्म में पुष्पराज की भूमिका निभाने वाले हैं, जिसे मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा बैंक रोल किया जा रहा है। फिल्म का स्केड्यूल विशाखापट्टनम में एक विश्व रूप से निर्मित सेट पे होगा। वर्तमान में पुष्पा का सेट मेर्दुमिली में वन पर चल रहा है। फिल्म की कहानी चंदन की स्मगलिंग से जुड़ी है और कहानी तिरुमुल्ला के पहाड़ी क्षेत्र शेषचलम वन की पृष्ठभूमि के खिलाफ स्थापित की जाएगी। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ने अपनी लॉरी ड्राइवर के किरदार के लिए एक कठोर शारीरिक परिवर्तन किया, जबकि भीषम हीरोइन रश्मिका मंदाना चतुर लड़की की चित्रित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस लॉकडाउन के दौरान रश्मिका ने एक ट्विटर से चतुर बोली सीखी। फिल्म के निर्माताओं ने इस बात की पुष्टि भी की कि वह फिल्म में एक एक्शन सीक्वेंस के लिए 6 करोड़ रुपए की भारी भरपाई करने वाले हैं, जिस वजह से यह फिल्म एक काफी अहम सीक्वेंस रहेगी। वहीं इस सीक्वेंस में कहीं अल्लू की चंदन से भरी लकड़ियों की लारी ना छूट जाए, वरना बैकग्राउंड में 2007 की फिल्म एक 40 की लास्ट लोकल का गाना क्या हुआ जो लारी छूटी चलना पड़ जाएगा। मीडिया में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को एयरपोर्ट में एंटर करते हुए कैप्चर किया और हमारा अनुमान है कि वह फिल्म पुष्पा के सेट की तरफ रवाना हो रही थी। काले रंग की टी शर्ट और फॉर्मल पैंट पहने डियर कॉमरेड अभिनेत्री काले रंग की स्टाइल में स्वैग के साथ घूमती दिखाई दी। उनके बाल खुले होने के साथ मुखौटे का स्टाइलिश चश्मा लगाए वह दुनिया के जीतने के लिए तैयार बॉस लेडी की तरह लग रही थी। लगता है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन को कॉम्पिटिशन देने के लिए मैदान में उतर गई है रश्मिका। वही क्या कहना आपका इस नई जोड़ी के बारे में, क्या अल्लू अर्जुन और रश्मिका के बीच फिल्मी केमिस्ट्री जमेगी या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के इस खास वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड पर इसी तरह नई फिल्मों के ट्रेलर्स और दिलचस्प फैक्ट्स देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की हमारी स्क्रिप्ट अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपरहिट बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां कर चुके हैं, कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैल। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें सीधा बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे, उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे, लेकिन अब थिएटर वाला मजा लेना होगा, तो मजा तो आएगा ही। इसके अलावा आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन ने भी कमर कस ली है और उन्होंने सोचा है कि वो जमकर प्रमोशन करेंगे, जो कि हमने कहा भी था कि
अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो ये बहुत ज़्यादा सुपरहिट रहेगी, क्योंकि जो हिंदी ऑडियंस है बार बार इन्हें खबरें देनी पड़ती है कब फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए। इसीलिए हिंदी ऑडियंस के लिए स्पेशली अल्लू अर्जुन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वैसे फ़ैन फॉलोइंग कम नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो अल्लू अर्जुन ने पूरी जान झोंक दी है। एक PR टीम उन्होंने रखी है जो कि अब सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, प्रमोशनल इवेंट, साथ ही जितने भी ये बॉलीवुड के चैनल हैं उनमें इंटरव्यू देते हुए नज़र आएंगे अल्लू अर्जुन। साथ ही आपको बता दें कि एक खबर ये भी है कि कपिल शर्मा शो में भी इस फिल्म का प्रमोशन हो सकता है। तो सोचिए अल्लू अर्जुन अगर कपिल शर्मा शो में पहुंच गए तो कितना भयंकर मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये बात वाकई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट भरी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है। रश्मिका मंदाना इसमें नज़र आने वाली हैं, विजय सेतुपति हैं, और अब विलन का नाम भी रिवील कर दिया गया है, सूर्या, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नज़र आ चुके हैं, तो वो विलन का किरदार करने वाले हैं। साथ ही सुकुमार इसे डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि अल्लू के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। तो बहुत सारी जोड़ियां रिपीट हो रही है एक हिसाब से लगाया जाए, और सैंडलवुड जो लकड़ी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अल्लू अर्जुन। उनकी जो तस्वीरें सामने आई है वो दिखाती हैं कि 80s से 90s का ये एरा है, जिसमें कि अल्लू अर्जुन की जो शर्ट है, चेक शर्ट दिख रही है, बेल बॉटम पैंट्स दिख रहे हैं, साथ ही उनके हाथ में स्टील की घड़ी है जो कि 80s के दौर में पहनी जाती थी, तो उसी टाइम का ये दिखाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है, और बहुत कुछ खास है जैसे कि अल्लू अर्जुन का लुक, जो कि कर्ली हेयर उन्होंने कैरी किए हैं, और जितनी भी फोटो तब से उनके सामने आ रही है उसमें अलग ही ऑरा उनका दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव अल्लू अर्जुन नज़र आ रहे हैं, और फिल्म में भी इसी तरह का धमाल मचाते हुए नज़र आएंगे। फिल्म में एक्शन बहुत भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों आपको कितना इंतज़ार है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का, ये ज़रूर बताइए, और ये नॉर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस, मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम हूं, गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ए सर मैं ऐसा ही हूं, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता, और गुस्सा। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, क्या ओपनिंग रह सकती है पुष्पा की, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या रहेगा, और कितने बजट में बनाया जा रहा है पुष्पा को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज़, मैं हूं सोनिका जाल। बात करेंगे साउथ के स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की, जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुष्पा, और बहुत ज़्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लुक शेयर किए गए हैं, और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था, कुछ तस्वीरें लीक हो गई थी। इस फिल्म को सुकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वायरल हो और लीक हो, इसीलिए उन्होंने कड़ी सिक्योरिटी रख दी है, और जिसने भी ये लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिए हैं कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते हैं और एकदम से धमाका मचाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें पुष्पा का बजट भी हाई रखा गया है, 150 करोड़ का इसका बजट होने वाला है। पैन इंडिया ये फिल्म है, यानी कि 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी, और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें हिंदी में भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। तो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छी खासी ये ओपनिंग देगा। हिंदी की अगर हम बात करें और 100% ऑक्यूपेंसी रही थिएटर्स में, अगर पेंडेमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थिएटर्स में, तो ये फिल्म हिंदी में 25 करोड़ का ओपनिंग आराम से देगी, ये 30 करोड़ भी हो सकता है, और 60 करोड़ का अगर हम बोले अलग भाषाओं से जो बाकी भाषाओं में रिलीज़ हो रही है उससे 60 करोड़ ये ऑक्यूपाई कर ही लेगी, इतना कलेक्शन ये कर ही लेगी। खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये टोटल कलेक्शन, ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो 200 से 250 करोड़ ये फिल्म आसानी से कमा लेगी। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 20 करोड़ का ये ओवरसीज़ कलेक्शन करेगी पहले दिन, तो इस हिसाब से लाइफ टाइम कलेक्शन की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये 150 करोड़ की कमाई कर सकती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु से ये 300 करोड़ कमा लेगी और 200 करोड़ हो गया हिंदी में। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर हम
टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो 500 करोड़ की कलेक्शन आराम से पुष्पा कर लेगी। इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि अल्लू अर्जुन के जो फिल्में हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतज़ार रहता है और वर्ल्ड वाइड भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि अल्लू की जितनी भी फिल्में आती हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है। उनका हिंदी डब जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूज़ के मामले में भी, और फैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी है। इसके अलावा उनके अपोजिट इसमें रश्मिका मंदाना नज़र आने वाली हैं और इनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है फिल्मों में। तो दोस्तों इतना तो ये तय है कि ये फिल्म धमाल ही मचा पाएगी और सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाया जाएगा। विजय सेतुपति इसमें होने वाले हैं। एक और विलन का नाम सामने आ चुका है, वो है आर्या, और आर्या अल्लू अर्जुन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कितना करोड़ का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतजार है इस फिल्म का? नीचे अपने किस नए अंदाज से चौंकाने वाली हैं रश्मिका दर्शकों को? क्या इस नए किरदार से बदल जाएगी अभिनेत्री की छवि? और क्यों एक बार फिर रुकी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की शूटिंग? क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज इस वीडियो में हम फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस की वजह से हर जगह छा रही हैं कन्नड़ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। कभी अपने दिल पिघला देने वाली तस्वीरों की वजह से तो कभी अपने जिम वर्कआउट की वीडियो से, लेकिन जल्द ही अब ये ग्लैमर डॉल अपना काया पलट करने जा रही हैं अपनी एक खास फिल्म के लिए। तो क्या आप तैयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो? रश्मिका जल्द ही अल्लू अर्जुन की हीरोइन बनने जा रही हैं और दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी। फिल्म का शीर्षक है पुष्पा, जो फिल्म में अल्लू अर्जुन के किरदार का नाम भी रहेगा, और ये फिल्म आंध्र प्रदेश के जंगलों से लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारित है। अल्लू अर्जुन का बीहड़ लुक पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है। अल्लू अर्जुन जिन्होंने बचपन में ही अपना एक्टिंग करियर चिरंजीवी जैसे बड़े सितारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था, वहीं रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अव्वल है अभिनेत्री। 24 साल की इस अभिनेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पाची से वाहवाही बटोरी थी, जिसके बाद उन्होंने महेश बाबू के साथ सरीलेरू, निक्की वेरू और भीष्मा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। फिल्म पुष्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रश्मिका ऐसे अवतार में दिखेंगी। हमेशा ग्लैमरस अंदाज में देखी गई अभिनेत्री अब करने जा रही है गांव की गोरी का किरदार। फिल्म में वे गांव की एक गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी, जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लैमरस रूप में दिखाया जाएगा। रश्मिका और अल्लू अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी, जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। वहीं केजीएफ की शीना यानी श्रीनिधि शेट्टी के बाद अब कन्नड़ ब्यूटी भी चल पड़ी है तमिल सिनेमा की तरफ। जल्द ही रश्मिका तमिल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं। और क्या आप जानते हैं शाहिद कपूर की आगामी फिल्म जोसी में मृणाल ठाकुर से पहले रश्मिका को फिल्म में मृणाल वाला किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कोई जिनकी निगाहें टिकी हैं सुंदर और टैलेंटेड एक्ट्रेस पर, जी हाँ संजय लीला भंसाली, जिन्होंने ऐश्वर्या राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बदला। वहीं दीपिका पादुकोण की फिल्म गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत ने दीपिका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सलमान अपनी फिल्म किक में न ढूंढ रहे थे। वहीं अब संजय लीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुक गई है। फिल्म का ऐलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या क्या शीर्षक के साथ आएगी अभी तक बताया नहीं गया है। अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपरहिट फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुष्पा को मैत्री मेकर्स बैनर्स बैरोल के कर रहे हैं, और जो अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर कौरतला शिवा के साथ फिल्म #AA21 से भी जुड़ गए हैं। फिल्म पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है, और ये फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर देवश्री प्रसाद हैं जिन्होंने कई तेलुगु हिट गाने दिए हैं। वहीं आपको उर्वशी रौटेला का गाना डैडी मम्मी है नहीं घर पे याद है, उस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर ही भी प्रसाद ही है। सुकुमार की रामचरण के साथ हिट फिल्म रंगस्थलम में भी देवश्री प्रसाद का साथ था, और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डायरेक्ट किया है। एक इंटरव्यू के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए। वहीं फिल्म से जुड़ी खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोक दी गई है। फिल्म की शूटिंग काफी जोरों
जोरों से चल रही थी और पुष्पा को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोक दी गई और सेट पर सभी की सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने जनवरी तक शूट स्थगित करने का फैसला किया है। तो क्या बनेंगी रश्मिका भंसाली की हीरोइन? कहीं फिल्म पुष्पा KGF 2 से क्लैश तो नहीं करेगी? आपको क्या लगता है, हमें अपने जवाब कमेंट्स करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थ्योरीज क्या है। साउथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतरीन फिल्म्स के साथ तेजी से पॉपुलैरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटरटेनिंग स्टोरीज और फिल्म मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी बारीकी से फॉलो करना, फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, एक्टिंग एंड डायरेक्शन एंड फॉर दैट मैटर बजट हो। इस एफर्ट का रिजल्टेंट है कमाल का सिनेमा जिसके काफी चाहने वाले हैं। तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि कंटेंट के मामले में अब बस बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साथ में ही कई रीजनल सिनेमा भी रेस में आ चुके हैं और कई केसेस में तो बॉलीवुड से बढ़िया कंटेंट परोस रहे हैं। हर तबके से जुड़े लोग अब साउथ सिनेमा की तरफ देखने लगे हैं और इसकी बदौलत साउथ स्टार्स की फैन फॉलोइंग अलग लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीधे आते हैं मुद्दे पर। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की और कनाडा क्रश रश्मिका मंदाना की मच अवॉइटेड फिल्म पुष्पा रिलीज होने जा रही है अगस्त में और एज एक्सपेक्टेड इस तेलुगु फिल्म की एंटिसिपेशन आसमान छू रहा है। फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो ये होगी रेड सैंडलवुड की तस्करी पर बेस्ड, जिसमें अल्लू अर्जुन इसी धंधे में काम कर रहे हैं एक लॉरी ड्राइवर होंगे। अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपी सद रखी है। पर जिस देश में इतनी क्रिएटिव ऑडियंस हो वहाँ क्रेजी थियोरीज की क्या कमी हो सकती है, इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जुट गई है और कुछ कमाल की स्टोरीज निकाल के सामने आ रही है। तो देर किस बात की, आइए डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है। पहली एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चक्कर लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। पुष्पा एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और लीड हीरो अल्लू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है। पुष्पा का हो जाएगा कत्ल और मारने वाले गुंडों का कोई अता पता नहीं होगा। अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेड सैंडलवुड की तस्करी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा। फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोध की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा। इस फिल्म के फर्स्ट पोस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अर्जुन इस फिल्म में एक ग्रे शेड में दिखेंगे, पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफी को देखकर इसके चांसेस कम लग रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थ्योरी की तरफ। इसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका के कैरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है, पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा अर्जुन की बहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर। अब अल्लू मर्डर का पता लगाते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लूशन पे पहुंचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेड सैंडलवुड के फॉरेस्ट में, इसलिए अल्लू अर्जुन खुद भी रेड सैंडलवुड का स्मगलर बन जाएगा और लोरी चलाएगा। इसी लुक में वो विलेन के करीब पहुंच जाएगा जो सैंडलवुड स्मगलर माफिया का हेड होगा और जिसने उसकी बहन को इसलिए मारा होता है कि इस धंधली का पता चल जाता है अपने फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। तो एंड में होता है घमासान युद्ध और विलेन की हार के साथ स्टोरी समाप्त। बस यही नहीं बल्कि स्टोरी को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हैं, पर असली स्टोरी कब रिलीज हो
होने जा रही है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा। उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा? क्या होने वाली है पुष्पा की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉडीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जोयाल। अपने जन्मदिन के मौके पर अल्लू अर्जुन ने सबको सरप्राइज दिया था, पुष्पा की घोषणा की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, यानी कि पहली बार अल्लू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए अपने सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए, क्योंकि साउथ समेत नॉर्थ में भी अल्लू अर्जुन की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। मेकर्स द्वारा अल्लू के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग भाषाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया गया था, जिसमें कि अल्लू अर्जुन बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहे थे। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पसंद भी उन्हें किया गया था और लुक के पीछे मेकअप आर्टिस्ट और लुक डिज़ाइनर प्रतिशील सिंह का हाथ था, जो कि बहुत सारी फिल्मों के लिए ऑलरेडी अवार्ड जीत चुके हैं। और प्रतिशील ने हैदर, मॉम, 102 नॉट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाई ज़्यादा, हाउसफुल 3, बहुत सारी फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट वो रहे हैं, जादू चलाया अपने मेकअप का। और इस फिल्म में भी उनको लुक देने के लिए प्रतिशील बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उन्होंने, और ये लुक सामने भी दिखता है। अब तक बहुत सारे लुक शेयर किए गए, लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने हाल ही में आज ही अनाउंस कर दिया है। उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुल्हाड़ी नजर आ रही है, पूरे जंगल का सीन, अंधेरा सीन नजर आ रहा है, उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, वो एक पेड़ पर बैठे हुए हैं। और साथ ही अल्लू अर्जुन ने अनाउंस कर दिया है कि उनकी फिल्म पुष्पा कब रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये जो पोस्टर है वो शेयर किया है और पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुल्हाड़ी है। अल्लू अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं। काफ़ी अमेजिंग है ये पोस्टर। और साथ ही अल्लू अर्जुन ने इसे कैप्शन दिया है #पुष्पा पुष्पा लोडिंग इन थिएटर्स फ्रॉम 13th of August 2021, एक्साइटेड टू मीट यू ऑल इन सिनेमाज दिस ईयर। और सिर्फ अल्लू अर्जुन ही नहीं, हम सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो फिर से वही मैजिक क्रिएट करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पुष्पा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 में भी उन्हें डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा आपको विजय सेतुपति, प्रकाश राज, जगपति बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे। और एक्ट्रेस की बात करें तो रश्मिका मंदाना एक बार फिर से जादू बिखेरने के लिए तैयार है। इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है। वहीं हरमन उत्थम और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म लाल चंदन यानी कि सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी तस्करी पर आधारित है। फिल्म की पृष्ठभूमि सेशाचलम के जंगल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि अच्छी अच्छी लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी। और इसमें विजय सेतुपति और अल्लू अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, यानी कि खतरनाक एक्शन, दमदार फाइट होने वाली है। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है पुष्पा का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल पता ही चल गया है 13 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए जल्दी से लिख डालिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए हेलो एंड वेलकम टू पॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई चटपटी वीडियो में। श्रिया अरोरा आपकी आज की होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में। पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट और लिखा सुकुमार ने है। सुकुमार एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर है जो कि प्रीडोमिनेंटली तेलुगु सिनेमा में ही काम करते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ राइटर की थी और उन्होंने मोहन और वीवी विनायक को भी असिस्ट किया है। सुकुमार ने अपना डायरेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या के द्वारा किया था और ये फिल्म काफ़ी सुपर हिट हुई थी, जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी। फिल्म में बतौर लीड एक्टर्स अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था। जगापति बाबू, प्रकाश राज, धनंजय, सुनील, गिरीश उठमन और वेनेला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा को प्रोड्यूस मैत्री मूवी मेकर्स इन एसोसिएशन विद मुत्तम शेट्टी मीडिया के तहत प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म पुष्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कोरिंग के तहत रिलीज किया गया था। फिल्म पुष्पा को 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने का स्केड्यूल किया है। फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है। जनवरी 2020 में पहले डायरेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महेश बाबू के साथ, लेकिन महेश बाबू और डायरेक्टर सुकुमार के क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया
और उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट सरीलेरु नेकेवारु फिल्म को साइन किया था, जिसे डायरेक्ट अनिल रवि पुरिस ने किया था। बाद में अल्लू अर्जुन ने प्रोजेक्ट साइन किया सुकुमार के साथ उनके फिल्म में एज अ लीड एक्टर काम करके। सुकुमार और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलैबोरेशन है। साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन द रेड सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2019 में। दिसंबर 2019 में डायरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था केरला के एथी रैपिडली फॉल्स पर। फिल्म पुष्पा का फर्स्ट शेड्यूल केरला में ही शूट किया गया था। फिल्म को कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हॉल्ट कर दिया गया था। फिल्म की शूटिंग दोबारा स्टार्ट करी गई थी 10 नवंबर 2020 में। विजय सेतुपति बहुत चर्चा में थे द एंटागोनिस्ट प्ले करने के लिए और जनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए। रश्मिका मंदाना को अप्रैल 2019 में एज अ लीड एक्टर कास्ट किया गया था और जगपति बेबी और प्रकाश राज को की रोल्स के करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था। आपको बता दें कि जुलाई 2020 में ऐसी खबर सामने आई कि विजय सेतुपति को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इश्यूज की वजह से। कन्नड़ा के फेमस एक्टर धनंजय को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था। नवंबर 2020 में जब फिल्म पुष्पा की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी तब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था। बस फिलहाल आज इस फिल्म के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ। आज की स्क्रिप्ट राइटर है रुशाल। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ए सर मैं ऐसा ही हूं, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता और गुस्सा आता है तो भूल कर रखता। पुष्पा से करने वाली है रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत? क्या साउथ की अगली कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड को रश्मिका मंदाना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्में पैन इंडिया रिलीज यानी कि अपने ओरिजिनल भाषा के साथ साथ कई और भाषाओं में भी रिलीज होने वाली है। ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में SS राजामौली की फिल्म बाहुबली द बिगनिंग रिलीज हुई थी। बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जन की प्रोडक्शन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने किया था। उसके बाद बाहुबली स्टार प्रभास की पॉपुलैरिटी की वजह से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला। फिर उनकी आने वाली फिल्में राधे श्याम और आदि पुरुष और साथ में नाग अश्विन की फिल्म और सिद्धार्थ आनंद की फिल्में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। उसके बाद फिल्म KGF चैप्टर 2 को भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला। इसी का दूसरा पार्ट 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है। साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस ने कई बार बॉलीवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है, जैसे कि श्रीदेवी, जया प्राडा, ऐश्वर्या राय, असिन, दीपिका पादुकोण, तापसी पन्नू जैसी कुछ अभिनेत्रियां अमाप सफलता पा चुकी हैं बॉलीवुड में। वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अग्रवाल, त्रिशा कृष्णन जैसी अभिनेत्रियां ज्यादा कामयाबी नहीं हासिल कर पाई, हालांकि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं। अभी अभी साउथ में विजय की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही हैं और साथ ही साथ विजय के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी। रश्मिका मंदाना को पिछले साल नेशनल क्रश का टाइटल मिला था। ये क्रश पहले दिशा पाटनी को भी मिला था।
रश्मिका मंदाना एक के बाद एक बड़े बड़े हीरोज के साथ काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मूवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ऑफर हुई थी। RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंत ही हाँ कह दिया था। इसमें उनके ऑपोजिट होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, मगर हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर इतना स्मूथ नहीं जा रहा। हालांकि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके प्रयास ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे, तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलीवुड डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के ऑपोजिट फिल्म ढूंढ रही थी। और इसी वक्त उनके कानों में अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आई। अल्लू अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाहिश पूरी भी हो गई और तभी उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करवाने का सुझाव भी दे दिया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बल्कि थिएटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं, केवल रश्मिका की उस ख्वाहिश की वजह से। चलिए दोस्तों, साउथ फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित एक्टर है। उनके पिछले फिल्म अल्ला वैकुंठपुरम की धुआंधार सक्सेस ने उन्हें पूरी दुनिया में यानी कि पूरे देश में चर्चित कर दिया है। भले ही ये साउथ स्टार की फिल्म पैन इंडिया रिलीज नहीं थी, बावजूद इसके इस फिल्म की सक्सेस ने उन्हें पूरे देश में चर्चित कर दिया है। अब अल्लू अर्जुन अपनी अगली फिल्म पुष्पा को लेकर बिजी हैं, जो पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को मेकर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में रिलीज कर रहे हैं। ऐसे में एक्टर को लेकर खबरों का बाजार लगातार गर्म है। अब अल्लू अर्जुन से जुड़ी एक और दिलचस्प खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर उनके फैंस का क्रेज सातवें आसमान पर पहुंच जाने वाला है। दरअसल अल्लू अर्जुन ने हाल ही में KGF डायरेक्टर प्रशांत नील से मुलाकात की है। वो हैदराबाद में आज प्रशांत नील के दफ्तर के बाहर स्पॉट किए गए। यहाँ उन्हें देखने के लिए लंबी लाइन लगी थी। अल्लू अर्जुन ने वहाँ से निकलने के बाद हजारों फैंस को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अल्लू अर्जुन ने फैंस को इस तरह से उन पर प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद भी कहा, जिसके बाद वो ऑफिस के अंदर चले गए। इसके बाद से खबरों का बाजार गर्म है कि अल्लू अर्जुन और प्रशांत नील की ये मुलाकात किसी आने वाले प्रोजेक्ट पर बात करने को लेकर है। इस खबर से अल्लू अर्जुन के फैंस में भारी क्रेज है। वेल, आपको बता दूं कि प्रशांत नील की KGF 2 बनकर तैयार है और जल्दी थिएटर में पहुंचने वाली है। इसके बाद वो प्रभास की आने वाली फिल्म सलार को पूरा करने की कोशिश में जुटे होंगे। फिल्म इन दिनों शूटिंग स्टेज पर है। क्या इसके बाद प्रशांत नील अल्लू अर्जुन संग अगली फिल्म की तैयारी करेंगे? इस सवाल का जवाब उम्मीद है कि जल्द मिलेगा। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें। कितने अवार्ड्स जीत चुकी हैं रश्मिका मंदाना? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस नई वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म पुष्पा के बारे में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर अपनी फेवरेट मूवीज से रिलेटेड अपडेट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्शन कर रहे हैं सुकुमार। इसे प्रोड्यूस किया है नवीन यरनेनी और वाई रविशंकर ने, जो मैत्री मूवी मेकर्स के एसोसिएशन में मुट्टम सेट्टी मीडिया से हैं। अब द फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन एंड रश्मिका मंदाना, जबकि जगपति बाबू भी हैं, प्रकाश राज, धनंजय और सुनील भी सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले हैं। जैसा कि प्रशंसक पुष्पा के निर्माताओं को आधिकारिक अपडेट के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं, एक नई रिपोर्ट अब ऑनलाइन सामने आ रही है, ये दावा करते हुए कि फिल्म का टीजर अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर रिलीज किया जाएगा, जो कि 8 अप्रैल को होगा।
वर्तमान में निर्माता फिल्म के लिए रश्मिका मंदाना के हिस्से की शूटिंग कर रहे हैं और रश्मिका जो की प्रमुख महिला का किरदार निभाती नजर आएंगी। वह हर बार सेट से तस्वीर साझा करती रही हैं। पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार पुष्पा के दो शूटिंग स्केड्यूल्स पिछले महीने रैप अप हुए थे और निर्माताओं ने ट्विटर पर इसकी घोषणा भी की थी। उन्होंने लिखा था, टीम पुष्पा ने नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के दौरान रामचंद्रपन और मेरदी मुली के एजेंसी क्षेत्रों में दो बिजी स्केड्यूल्स रैप अप किए हैं। अब हम अपने शूट में सहयोग और सहयोग के लिए आदिवासी और प्रशासन के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिसके बिना हमारी शूटिंग पूरी नहीं हो पाती। थैंक यू रंपा चौधवारम और मेरदी मुली, अब हम निश्चित रूप से फिर से वापस आ जाएंगे, उन्होंने ट्विटर पर लिखा। वहीं अगर हम रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो उस लिस्ट में पुष्पा के साथ साथ शामिल है मिशन मंजू, अद्दावालू, मीकू जोहालू और सुल्तान। ये सारी फिल्में 2021 में ही रिलीज होने वाली हैं। दोस्तों अवार्ड्स की बात करें तो हमारी इंडियन नेशनल क्रश यानी कि रश्मिका मंदाना ने अभी तक 5 अवार्ड्स जीते हैं, जो कि हैं बेस्ट डेब्यूटेंट फीमेल फॉर किरिक पार्टी, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर अनजानी पुत्र, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर गीता गोविंदा और क्रिटिक्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर गीता गोविंदा। वहीं उन्हें 9 नॉमिनेशन में भी लिया गया था। रश्मिका मंदाना आज की डेट में उस लिस्ट में भी शामिल होती हैं जो कि महंगी एक्ट्रेसेस के बारे में होती है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या रश्मिका अपना जादू बिखेर पाएंगी फिल्म में अपनी क्यूटनेस और हॉटनेस के साथ, और अल्लू अर्जुन के साथ काम में उनकी फिल्म हिट होगी या फिर नहीं, हमें कमेंट से ఇరవై మందిని పంపించాను అందరిని చిత్తగుట్టారు से हुई पुष्पा फिल्म के शूट शेड्यूल में देरी, क्या इस डिले की वजह से पुष्पा की रिलीज डेट पर भी फर्क पड़ सकता है? पॉलीग्रेट स्टूडियोज में आपका स्वागत है। अल्लू अर्जुन ने एक दो वर्ड्स में ही पुष्पा फिल्म के बारे में क्या अपडेट दी है। फिल्म्स और टेलीविजन के फुल फॉर्म में काम करने का सिलसिला अभी 2-3 महीने पहले ही शुरू हुआ था कि अभी से ही इसमें आचाने आने लगी। बढ़ते हुए कोविड केसेस एक बार फिर से इंडिया के लिए सरदर्द बने हुए हैं और इसी कारण से काफी सारे मूवीज या तो थिएट्रिकल रिलीज को अभी के लिए स्किप कर चुकी है या फिर करेंटली शूट हो रही फिल्म्स के शूट शेड्यूल में गड़बड़ी हो गई है और कास्ट एंड क्रू की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इन शेड्यूल्स को अभी पोस्टपोन ही करने में मेकर्स ज्यादा तवाजो दे रहे हैं। इसी डिले का शिकार हुई है अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया रिलीज पुष्पा। इस फिल्म की शूट स्टार्ट हुए काफी टाइम तो हो चुका है, पर अभी तक इस मैसिव प्रोजेक्ट के 2 शेड्यूल ही पूरे हो पाए थे। अब जैसे ही इसका अगले शेड्यूल की तैयारी कास्ट एंड क्रू ने शुरू की तो इनका रास्ता काट लिया कोरोना ने, क्योंकि फिल्म काफी बड़े स्केल पे बनाई जा रही है तो जाहिर सी बात है इसमें क्रू भी काफी ज्यादा काम कर रहा है। मोर ओवर फिल्म के सारे शेड्यूल आउटसाइड ही शूट होने हैं, इसलिए डायरेक्टर साहिब सुकुमार ने सेफ्टी को चुनते हुए शूट को टालने की सलाह बनाई है। इसलिए इस डिले का असर सीधा इस फिल्म की रिलीज पे जरूर पड़ने वाला है और मेकर्स के लिए रिलीज की डेडलाइन को पकड़ रख पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, सुकुमार एक ऐसा डायरेक्टर है जो शूट के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते। इनका सिद्धांत ही यही है, टाइम चाहे जितना लग जाए पर हर काम होगा तसल्ली बख्श। तो शूट तभी शुरू होगी जब कंडीशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, फिर चाहे इस डिले की भरपाई फिल्म की रिलीज डेट को खिसका के ही क्यों ना करनी पड़े। हालांकि रिलीज डेट पे मेकर्स तभी कुछ फाइनलाइज कर पाएंगे जब फिल्म के शेड्यूल टाइम से शूट हो पाएंगे और शेड्यूल में देरी का सीधा मतलब है रिलीज में देरी। पुष्पा को लेकर अभी तक कोई खास अपडेट नहीं आया है, लेकिन कायास तो ये भी लग रहे थे कि शायद मेकर्स इसका टीजर अर्जुन के बर्थडे 8 अप्रैल को रिलीज कर दे। अब ये वायदा पूरा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक जो अपडेट हमें अल्लू की तरफ से मिला है वो तो मात्र 2 तेलुगु वर्ड्स का है, थग्गे दिले। अब इसका क्या मतलब है ये हम अभी क्लियर कर देते हैं। अल्लू अर्जुन एक तेलुगु मूवी के लॉन्च इवेंट में चीफ गेस्ट बनकर गए थे, तो वहाँ जब उनसे पुष्पा की शूट के बारे में डिटेल पूछी गई तो उन्होंने इस सिर्फ 2 शब्दों में बयान किया, थग्गे दिले, जिसका लूजली मतलब ये है कि फिल्म की शूट मस्त तेजी से चल रहा है, लेकिन इसी तेजी पे लगाम अब लगने ही वाला है, वजह है कोरोना। यूं मान ही लो कि शूट मस्त 200 की स्पीड से चल रही तो इसी बीच कोरोना नाम का स्पीड ब्रेकर सामने आ गया। अब इसी कारण से स्पीड तो कम करनी ही पड़ेगी और यही करना भी पड़ा है पुष्पा फिल्म के मेकर को। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा की पहली झलक सामने आ गई है।
इसका खुलासा करते हुए मेकर्स ने एक धमाकेदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद अल्लू अर्जुन के फैंस बेहद एक्साइटेड हो गए हैं। इस वीडियो में हमें अल्लू अर्जुन का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका अंदाज ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। जहां इस फिल्म का छोटा टीजर भी कमाल का है। दोस्तों देखा जाए तो वहीं कुछ दिनों पहले फिल्म के विलन को लेकर अपडेट सामने आया था। मेकर्स ने फिल्म के विलन से फैंस को इंट्रोड्यूस करा दिया, जहां बताया गया कि इस फिल्म में नेशनल अवार्ड विनर मलयालम एक्टर फहाद फासिल फिल्म में विलन के कैरेक्टर निभाएंगे। स्क्रीन पर अल्लू अर्जुन और फहाद की टक्कर देखने लायक होगी। दोस्तों बात करें फर्स्ट लुक की, तो वीडियो में देखने को मिला कि इसमें कोई एक व्यक्ति जंगलों के बीच भाग रहा है, जिसके दोनों हाथ पीछे हैं, हाथों में रस्सी बंधी है और पूरा चेहरा लाल कपड़े से ढका हुआ है। अगर बैकग्राउंड स्टोरी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद अल्लू अर्जुन पुलिस वालों से बचकर भाग रहे हैं। अब इस सीन में ऐसा क्या हुआ है कि अल्लू अर्जुन भाग रहे हैं और उनके चेहरे पर रेड कलर का ये कपड़ा क्यों है? तो दोस्तों पता चलेगा जब फिल्म 13 अगस्त को रिलीज होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार। ये फिल्म 13 अगस्त को तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होने वाली है। इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं मैत्री मूवी मेकर्स और मुत्तु सेट्टी। दोस्तों बात करें मेकर्स की फिल्म की, तो उनका कहना है कि इस फिल्म को पैन इंडिया को ध्यान में रखते हुए और उनके ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, ताकि इसका आनंद सभी लैंग्वेजेस के दर्शक उठा सके। क्योंकि इस फिल्म से अल्लू अर्जुन मैसिव स्टार पावर है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इसकी कहानी को ज्यादा लोग पसंद करेंगे। पुष्पा फिल्म की कहानी एक एक्शन एंटरटेनिंग स्टोरी है, जिसके जरिए दर्शकों को फ्रेश और जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों देखा जाए तो अल्लू अर्जुन की जितनी भी फिल्में होती है काफी फ्रेश और काफी डिफरेंट होती है, और जब उन फिल्मों में अल्लू अर्जुन का तड़का लगता है तो फिल्म और धमाकेदार हो जाती है। वेल दोस्तों आपको कैसा लगा ये फर्स्ट ग्लिम्प ऑफ पुष्पा फिल्म? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है। ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से पुष्पा मूवी से विजय सेतुपति की एग्जिट हो गई और उनकी जगह कौन लेने वाले हैं? साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट फिल्म पुष्पा के लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं और ये जानना चाहते हैं कि 2020 की हिट अल्लाह वैकुंठपुरम अल्लू के बाद वो क्या कुछ नया लेकर आ रहेंगे। तो आपको बता दें कि इनकी अगली फिल्म होगी धाकड़ एक्शन एंटरटेनर। पुष्पा की स्टोरी रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग पर बेस्ड होगी, जिसमें अल्लू हमें इसी धंधे में काम करते हुए लॉरी ड्राइवर बने दिखेंगे। के ऑपोजिट फिल्म में रश्मिका मंदाना भी होंगी। इनके रोल के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन हीरो हीरोइन के अलावा एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टोरी में, जी हाँ वो है विलेन का। तो जी विलेन के रोल के लिए भी मेकर्स ने एक तगड़ा कंटेंडर पहले चुना था, जो कि थे विजय सेतुपति। और सीरियसली ये एक ऐसे एक्टर हैं जो साइड रोल में होके भी मेन एक्टर की परफॉर्मेंस को डोमिनेट कर देते हैं, और दिली तमन्ना तो यही थी कि काश यही होते फिल्म में विलेन, पर मेकर्स को इन्हें हटाना पड़ा और इसके रिगार्डिंग रीजंस भी दिए। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई हमारी तरफ से तो कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि विजय साहब की डिमांड्स ही कुछ ऐसी अनोखी थी और मजबूरन हमें उनको ड्रॉप करना पड़ा। अब वो अनोखी डिमांड्स क्या थी, इसका खुलासा हम दे देते हैं। पहली तो ये कि विजय ने अपनी फीस काफी ज्यादा हाइक कर दी थी और इस फिल्म के लिए वो 10 करोड़ चार्ज कर रहे थे। अब क्योंकि उनकी फिल्म इतना बढ़िया बिजनेस कर रही है और आप एक्टर भी तो देखिए क्या गजब का है, तो इतना हाइक तो उनका बनता ही है। तो इस डिमांड को अगर मेकर्स किसी हद तक मान भी लेते, पर अगली एक अजीब सी डिमांड की वजह से तो उन्हें विजय को ड्रॉप करना ही भला लगा, और वो थी कि पुष्पा फिल्म को तमिलनाडु में रिलीज ही ना किया जाए, या फिर तमिलनाडु में जो फिल्म के थिएटर राइट्स की कमाई होगी वो उन्हें बतौर पेमेंट दे दी जाए। अब ये डिमांड तो मेकर्स को खास जची नहीं और विजय का हुआ फिल्म से टाटा बाय बाय। पर भैया एक समस्या खत्म होने के बाद नए विलन को ढूंढने की समस्या खड़ी हो गई। तो इसका सलूशन अभी हाल ही में मेकर्स ने रिवील किया है मलयालम एक्टर फहाद फाजिल के तौर पर। इन जनाब को मलयालम इंडस्ट्री का मोस्ट टैलेंटेड एक्टर माना जाता है, और इसी कारण से नेटिजन का ये भी मानना है कि इनकी परफॉर्मेंस अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर पोर्ट्रेल को पूरी तरीके से ओवरशैडो करने वाली है। फहाद को कास्ट करने के बकायदा रीजंस भी डायरेक्टर सुकुमार ने दिए कि यही वो एक्टर है जो स्क्रीन पे डिजायर्ड इंटेंसिटी ला सकते हैं, और जिसको डाउट है वो एक बार इनकी फिल्म ट्रांस देख लो और आपको खुद ब खुद रीजंस मिल जाएंगे। ट्रांस के ग्रे शेडेड कैरेक्टर को इतने बढ़िया तरीके से निभाने की वजह से ही उन्हें पुष्पा फिल्म का इम्पोर्टेंट इंटेंस रोल मिला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विलन का रोल सिर्फ 30 मिनट का होने वाला है, तो ऐसे में ये देखना
काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि फहाद अपने इस रोल से लोगों को कितना मिसमराइज कर पाएंगे। और इसी सवाल को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना। वजन लगभग 900 किलो, क्या कीमत होगी इसकी? सर 840 क्रोर्स अप्रॉक्स। हमने उसका 900 किलो कोकीन पकड़ा, वो जरूर अपने दड़बे से बाहर निकले। इनका सर काट के लाने वाले के लिए जिंदगी भर के टेंशन खत्म। अगर आज वो दरवाजा नहीं खोलता तो कल कोई दीवार तोड़ के अंदर। Which movie is based on Red Sandalwood Smuggling? Hello and welcome to Bollygraph Studios, जहां हम रोज बॉलीवुड आए जुड़ी खबरें आपके सामने लेके आते हैं और इन्फॉर्मेशन बताते हैं। टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन's न्यू फीचर फिल्म पुष्पा इज सेट टू रिलीज इन थिएटर्स ऑन 13th August. द मूवी विल बी रिलीज इन तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ एंड मलयालम। द मूवी स्टार्स रश्मिका मंदाना, धनंजय एंड सुनील। दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय सुकुमार। Sukumar and Allu Arjun along with music director Devi Shri Prasad have previously worked together for Arya and Arya 2. Sukumar and Allu Arjun has now teamed up for Pushpa after delivering hits like directors Ranganathalam and Arjun's Alla Venkat Puramallu. The film shoot earlier come to halt after cases for COVID-19 have been reported on the sets. Naveen Virwani and Ravi Shankar, producers of the film, they also said that hopeful for the audience will enjoy the film as it has a combination of great content and actors. In a statement with the producer, he said, "With the massive star power of Allu Arjun on your side, we are confident that the storyline will move more its due. It is gripping story and we have furthered our cause to bring the audience fresh and impactful content with Pushpa." The film being produced by Maitri Movie Maker, the movie has previously produced Sukumar's Rangasthalam and the movie is based on Red Sandalwood Smuggling. So this is all about the movie. If you have any doubt or if you want to know more about the movie, please drop a question or your query in the comment section. We will update you soon. So for more information and more updates about the Bollywood and Hollywood movie, do subscribe our YouTube channel Bollygraph Studios. Thank you. I am Poonam. क्या अल्लू अर्जुन की फिल्म में विजय सेतुपति नहीं होने वाले? विजय नहीं तो कौन से खूंखार विलन भिड़ेंगे पुष्पा में? अल्लू से क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। साउथ फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के अपोजिट भिड़ने के लिए एक विलन के नाम पर ऑफिशियल मोहर लग चुकी है। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अपोजिट लीड रोल में नेशनल अवार्ड विनर मलयालम एक्टर फहाद फासिल की धांसु एंट्री कर दी गई है। इसकी जानकारी मेकर्स ने एक मेगा ऐलान के जरिए दी। निर्माताओं ने फहाद फासिल का स्वागत करते हुए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक्टर के इस फिल्म का हिस्सा बनने का ऐलान किया गया है। फहाद इस फिल्म में मेन लीड में होंगे, मतलब कि विलन के रोल में होंगे। फिल्म में उनकी और अल्लू की करारी भिड़ंत भी दिखाई जाएगी। निर्माताओं की ओर से ये जारी वीडियो आप देख सकते हैं, बेहद ही खतरनाक और इम्पोर्टेंट वीडियो। वहीं आपको बता दें, फहाद से पहले फिल्म के लीड विलन के तौर पर मेकर्स ने विजय सेतुपति को अप्रोच किया था। वह इस फिल्म में अल्लू अर्जुन को टक्कर देने को तैयार थे। अभी तक सभी को लग रहा था कि विजय ही इस फिल्म में होने वाले हैं, लेकिन अब जानकारी यह है कि विजय ने ये ऑफर ठुकरा दिया है। अब ये ऑफर क्यों ठुकरा है ये नहीं पता। इसके बाद से ही फिल्म ने लीड विलन कौन होगा इसके लिए तलाश जारी थी। आखिरकार मेकर्स की ये खोज मलयालम एक्टर फहाद पर पूरी हुई। इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी लंबे वक्त से चल रही है, ऐसे में विलन के नाम पर होती देरी से फिल्म की शूटिंग पर असर पड़ सकता था। फहाद एक नामी मलयालम एक्टर है जिन्हें फिल्म थोदी मुथलम और काफ़ी फिल्मों के लिए को एक मलयालम फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े एक्टर हैं। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा की बात करें तो इस फिल्म में उनके अपोजिट एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना नजर आने वाली है। इस फिल्म के निर्देशन में हैं सुकुमार, जो कि दूसरी बार उनके साथ फिल्म कर रहे हैं, और रंगास्थलम और आर्या जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं इनके साथ। इस फिल्म को मेकर्स हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज करने वाले हैं। ऐसे में ये अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जो कि पैन इंडिया दर्शकों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अल्लू को भी हम बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। आपको बता दें, इस फिल्म को 13 अगस्त को रिलीज किया जाना है। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं पुष्पा का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो।
be released. Why is the Allu Arjun's birthday so special for the audience and his fans? Hello, welcome to Boycast News and I am Pooda. And today we'll tell you all the answers of the questions told before. Allu Arjun enjoys a massive fan following and I don't think it would be wrong to say that the stylish star was one among the many actors who introduced Tollywood films to a wider audience by breaking the language barrier and has become the favorite of everybody. Well, all fans and followers of the actor are eagerly waiting to celebrate his 38th birthday next month is on April 8, 2021. Although it looks like the makers of this forthcoming film are all set to treat them with a big surprise. Yes, you heard it right. The teaser of our first glimpse of Pushpa directed by Sukumar will be dropped on this special occasion. Though there is no official confirmation regarding it, we can just assume for the sake. Not ignoring the fact that the Pushpa is one of the highly awaited films of this year. It will be releasing in just 5 months of the big screen. One can expect the unexpected on Allu Arjun's birthday. The actor looked unrecognizable as he transformed into a rough and tough character for the film, which is indeed surprised many. The stylish star is playing the role of a lorry driver in Pushpa. Pushpa is a romantic entertainer movie directed by Sukumar and produced by Maitri Movie Makers Band. The movie cast includes Allu Arjun and Rashmika Mandanna and are in the main lead. The action thriller will be released on 5 different languages, Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam and Kannada. The music for Pushpa has been composed by RM fame Devishree Prasad. So we are very much excited about this movie and its role. That's all for today. Stay tuned with Bollygast News. I am Poonam and thank you. साउथ फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा लगातार खबरों में है। बीते दिनों ही फिल्म के मेकर्स ने मेन विलन का धांसू ऐलान किया। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदन स्टारर फिल्म पुष्पा के लिए प्रोड्यूसर्स ने नेशनल अवार्ड विनर मलयालम एक्टर फहाद फाजिल को कास्ट किया गया है। फहाद फाजिल इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ दो दो हाथ करते दिखने वाले हैं। हालांकि फहाद फाजिल इस फिल्म के लिए बतौर विलन मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। फहाद फाजिल से पहले फिल्म प्रोड्यूसर्स ने मास्टर स्टार विजय सेतुपति को अप्रोच किया था। विजय सेतुपति को ही इस फिल्म में विलेन के रोल में देखना चाहते थे। वो खुद विजय सेतुपति भी इस फिल्म से जुड़ने के लिए काफी एक्साइटेड थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस फिल्म का हिस्सा वो नहीं बन पाए और उनकी जगह मलयालम स्टार की एंट्री हो गई। इसके बाद कयासों का बाजार गर्म है कि आखिरकार विजय सेतुपति ने इस फिल्म का हिस्सा क्यों नहीं बने। इस बीच विजय सेतुपति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। विजय सेतुपति को भारी भरकम डिमांड ने प्रोड्यूसर्स के होश उड़ा दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विजय इस फिल्म के लिए बतौर फीस 10 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे। इतना ही नहीं, विजय सेतुपति ने इसके साथ ही यह भी डिमांड रखी थी कि इस फिल्म को या तो तमिलनाडु में रिलीज ही ना करें या उन्हें तमिलनाडु के थिएटिकल राइट्स बतौर भुगतान दे दें। विजय सेतुपति की इस डिमांड पर अल्लू अर्जुन की फिल्म के मेकर्स सक पका गए, जिसके बाद विचार विमर्श कर प्रोड्यूसर्स ने अल्लू अर्जुन के अपोजिट नया विलन ढूंढ निकाला, जिसके बाद ही फिल्म में फहाद फाजिल की एंट्री हो गई। दोस्तों, अब विजय सेतुपति ने ऐसा डिमांड क्यों रखा? चलो फीस तो ठीक है 10 करोड़ की, लेकिन तमिलनाडु में रिलीज ना करे और उन्हें क्यों थ्रेटिकल राइट्स के भुगतान चाहिए, ये तो अब वही जाने। इसके बारे में और कोई अपडेट्स सामने नहीं आई है। वेल, देखा जाए तो फहद फाजिल भी बहुत माइंड ब्लोइंग एक्टर है। उनके साथ अल्लू अर्जुन की केमिस्ट्री काफ़ी कमाल की होगी जब दोनों फिल्में दो दो हाथ करते दिखेंगे। वेल दोस्तों, पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन के अपोजिट आप किसको देखना चाहते थे, विजय सेतुपति को या फिर किसी और को? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। साउथ फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के अपोजिट भिड़ने वाले एक विलेन के नाम पर ऑफिशियली मोहर लग गई है। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अपोजिट लीड रोल में नजर आने वाले हैं नेशनल अवार्ड विनर मलयालम एक्टर फहाद फाजिल, जिनकी धांसू एंट्री हुई है फिल्म में। इसकी जानकारी मेकर्स ने मेगा ऐलान के जरिए दिया है। प्रोड्यूसर ने फहाद फाजिल का स्वागत करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्टर के इस फिल्म का हिस्सा बनने का ऐलान किया गया।
फहाद फाजिल इस फिल्म में मेन विलेन के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनकी और अलू अर्जुन के बीच करारी भिड़ंत होने वाली है। प्रोड्यूसर्स की तरफ से जारी किए गए वीडियो को लगभग अभी तक 1.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आपको बता दें कि पहले खबर थी फहाद फाजिल से पहले कि फिल्म में विलेन के तौर पर नजर आने वाले हैं एक्टर विजय सेतुपति। उन्हें अप्रोच किया गया है, वो इस फिल्म में अलू अर्जुन को टक्कर देते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि बाद में विजय सेतुपति ने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद से ही फिल्म के लीड विलन के लिए जोरों से तलाश चल रही थी। आखिरकार मेकर्स की ये खोज मलयालम एक्टर फहाद फाजिल पर पूरी हुई। इस फिल्म की शूटिंग काफी लंबे वक्त से चल रही है, ऐसे में विलन के नाम पर होती देरी से फिल्म की शूटिंग पर असर पड़ रहा था। फहाद फाजिल एक नामी मलयालम एक्टर हैं, जिन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अलू अर्जुन के इस फिल्म में अपोजिट लीड एक्टर होंगी एक्ट्रेस रश्मिका मंदन। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार, जो कि रंगास्थलम और आर्या जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। इस फिल्म को मेकर्स हिंदी समेत 5 नई लैंग्वेजेस में रिलीज कर रहे हैं। ऐसे में ये अलू अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के लिए अभी से अलू अर्जुन के फैंस में खास बज है। ये फिल्म 13 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। वेल, कैसा कोऑर्डिनेशन होने वाला है अलू अर्जुन और फहाद फाजिल का पुष्पा में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वेल, आपको कैसी लगी ये जानकारी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। अर्जुन की फिल्म में विजय सेतुपति नहीं होने वाले? विजय नहीं तो कौन से खूंखार विलन भिड़ेंगे पुष्पा में? अल्लू से क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जया। साउथ फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के अपोजिट भिड़ने के लिए एक विलन के नाम पर ऑफिशियल मोहर लग चुकी है। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अपोजिट लीड रोल में नेशनल अवार्ड विनर मलयालम एक्टर फहाद फासिल की एंट्री कर दी गई है। इसकी जानकारी मेकर्स ने एक मेगा ऐलान के जरिए दी। फहाद इस फिल्म में मेन लीड में होंगे, मतलब कि विलन के रोल में होंगे। फिल्म में उनकी और अल्लू की करारी भिड़ंत भी दिखाई जाएगी। वहीं आपको बता दें, फहाद से पहले फिल्म के लीड विलन के तौर पर मेकर्स ने विजय सेतुपति को अप्रोच किया था। वह इस फिल्म में अल्लू अर्जुन को टक्कर देने को तैयार थे। अभी तक सभी को लग रहा था कि विजय ही इस फिल्म में होने वाले हैं, लेकिन अब जानकारी यह है कि विजय ने ये ऑफर ठुकरा दिया है। फहाद एक नामी मलयालम एक्टर है, जिन्हें फिल्म थोदी मुथलम और काफी फिल्मों के लिए, अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा की बात करें तो इस फिल्म में उनके अपोजिट एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना नजर आने वाली है। इस फिल्म के निर्देशन में है सुकुमार, जो कि दूसरी बार उनके साथ फिल्म कर रहे हैं और रंगास्थलम और आर्या जैसे सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं इनके साथ। इस फिल्म को मेकर्स हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज करने वाले हैं। ऐसे में ये अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जो कि पैन इंडिया दर्शकों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अल्लू को भी हम बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा इन दिनों खूब चर्चा में है। हाल ही में इस फिल्म में विजय सेतुपति की जगह विलेन के रोल में नेशनल अवार्ड विनर मलयालम एक्टर फहाद फासिल की एंट्री हो चुकी है। इस फिल्म में मेकर्स विजय सेतुपति को ही पहले विलेन के रोल में कास्ट करना चाहते थे, फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विजय सेतुपति ने इस फिल्म के मेकर्स के सामने ऐसी मांगे रखी कि प्रोड्यूसर्स के होश उड़ गए और फिर विजय सेतुपति के साथ बात आगे नहीं बन पाई, जिसके बाद ये किरदार आखिरकार फहाद फाजिल की झोली में जा गिरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विजय सेतुपति नहीं, अल्लू अर्जुन की पुष्पा में प्रोड्यूसर्स ने मेन विलेन के लिए धासु बॉलीवुड स्टार को भी अप्रोच किया था। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विजय सेतुपति के इस प्रोजेक्ट से निकलने के बाद फिल्म प्रोड्यूसर्स ने रेस स्टार बॉबी देओल को ये ऑफर दिया था। हालांकि ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। वेल दोस्तों, देखा जाए तो जब से बॉबी देओल ने कमबैक किया है, एक के बाद एक लगातार हमें चौंका रहे हैं। पहले हाउसफुल 4, आफ्टर दैट ये आश्रम की सीरीज,
जिसमें उनके काम की लगातार तारीफ हो रही है। बॉबी देओल इस सीरीज में बाबा के कैरेक्टर में काफी सूट कर रहे हैं। आने वाली फिल्मों की बात करें तो वो फिल्म अक्षय कुमार की बच्चन पांडे में नजर आने वाले हैं। वही देखा जाए तो अपने टू और लव हॉस्टल में भी। दोस्तों बात करें कि आखिरकार विजय सेतुपति की क्या डिमांड्स थी जिसकी वजह से वो फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए, तो आपको बता दूं कि बाजार गर्म है कि आखिरकार विजय सेतुपति ने इस फिल्म का हिस्सा क्यों नहीं बने। इस बीच विजय सेतुपति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। विजय सेतुपति को भारी भरकम डिमांड ने प्रोड्यूसर्स के होश उड़ा दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विजय इस फिल्म के लिए बतौर फीस 10 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे। इतना ही नहीं, विजय सेतुपति ने इसके साथ ही यह भी डिमांड रखी थी कि इस फिल्म को या तो तमिलनाडु में रिलीज ही ना करें या उन्हें तमिलनाडु के थिएटिकल राइट्स बतौर भुगतान दे दें। विजय सेतुपति की इस डिमांड पर अल्लू अर्जुन की फिल्म के मेकर्स सक पका गए, जिसके बाद विचार विमर्श कर प्रोड्यूसर्स ने अल्लू अर्जुन के अपोजिट नया विलन ढूंढ निकाला, जिसके बाद ही फिल्म में फहाद फाजिल की एंट्री हो गई। दोस्तों अब विजय सेतुपति ने ऐसा डिमांड क्यों रखा? चलो फीस तो ठीक है 10 करोड़ की, लेकिन तमिलनाडु में रिलीज ना करे और उन्हें क्यों थिएटिकल राइट्स के भुगतान चाहिए, ये तो अब वही जाने। इसके बारे में और कोई अपडेट सामने नहीं आई है। वेल देखा जाए तो फहाद फाजिल भी बहुत माइंड ब्लोइंग एक्टर है। उनके साथ अल्लू अर्जुन की केमिस्ट्री काफी कमाल की होगी जब दोनों फिल्म में दो दो हाथ करते दिखेंगे। वेल दोस्तों पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन के अपोजिट आप किसको देखना चाहते थे, विजय सेतुपति को या फिर किसी और को? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। कब तक रिलीज होने वाली है फिल्म पुष्पा? कौन सा प्लॉट हो रहा है वायरल सोशल मीडिया पर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस नई वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म पुष्पा के बारे में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपके सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर अपने फेवरेट मूवीज या सीरीज से रिलेटेड पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर सारी वीडियो से अपडेटेड रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसको लिखा है और डायरेक्शन किया है सुकुमार ने। इसे प्रोड्यूस किया है नवीन येरनेनी और वाई रविशंकर ने, जो मैत्री मूवी मेकर्स के एसोसिएशन में मुट्टम सेट्टी मीडिया से हैं। अब फिल्म में स्टार किया गया है अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को, उनके साथ ही जगपति बाबू, प्रकाश राज, धनंजय और सुनील भी सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे फिल्म में। अल्लू अर्जुन जो अपने अभिनय और नृत्य कौशल के लिए लोकप्रिय हैं, उनको बड़े पैमाने पर प्रशंसा के बीच स्टाइलिश स्टार भी माना जाता है। अर्जुन कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जैसे कि वेदाम, वरुदु, बद्रीनाथ, परुगु, आर्या 2 और भी कई सारे फिल्मों में नजर आए हैं। पुरस्कार विजेता अभिनेता का मनोरंजन उद्योग में 2 दशकों से अधिक का करियर है। उनकी फैन फॉलोइंग ने न केवल दक्षिण भारतीय राज्यों तक सीमित है बल्कि पूरे भारत में तेजी से बढ़ी है। उन्होंने कई सुपरहिट तेलुगु फ्लिक्स भी दी हुई हैं, जिसमें से कई भाषाओं में जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, बंगाली और अन्य भाषाओं में भी डब किया गया है। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा साल की सबसे प्रतीक्षित फिल्म है। फिल्म तब से खबरों में है जब ये फ्लोर पर उतरी थी। वर्तमान में अल्लू अर्जुन तमिलनाडु में पुष्पा की शूटिंग कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन फिल्म में प्रतिबंधित मेकअप में नजर आएंगे और मेकअप को पहनने में लगभग 2 घंटे लगते हैं, वहीं मेकअप को उतारने में आधा घंटा लग जाता है। अल्लू अर्जुन चरित्र की त्वचा में उतरने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन फिल्म में ज्यादातर शॉर्ट्स और लुंगी में नजर आएंगे। फिल्म यूनिट व्यस्त तमिलनाडु में शूटिंग के साथ बिजी चल रही है और कुछ नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन के पुष्पा प्लॉट का खुलासा किया। ये प्लॉट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। सभी सोशल मीडिया नेटवर्क पर व्यापक रूप से फिल्म के कुछ
कुछ भाग पढ़ने और साझा करने के लोग शौकीन हैं। हमें नहीं पता कि कहानी वास्तव में है या नहीं, या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रहा वायरल झूठ है। निर्माताओं का भी इस खबर पे अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या रश्मिका अपना जादू बिखेर पाएगी फिल्म में अपनी क्यूटनेस और हॉटनेस से? अल्लू अर्जुन के साथ काम में उनकी ये फिल्म हिट हो पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अलविदा। क्यों हुआ अल्लू अर्जुन का काया पलट? कब हो रही है अल्लू अर्जुन की फिल्म रिलीज? क्या थी लोगों की प्रतिक्रिया अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा पर? साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपने जन्मदिन पर अपनी नई फिल्म पुष्पा की घोषणा की थी। यह फिल्म हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। मेकर्स द्वारा अल्लू के जन्मदिन के मौके पर ही अलग अलग भाषाओं में फिल्म से उनका पहला लुक पोस्टर साझा किया गया। इस पोस्टर में उनका रफ लुक नजर आ रहा है। पोस्टर देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि अब की यह किसी गैंगस्टर या वैसे ही किसी काम से ताल्लुक रखती है। सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहे इस लुक के पीछे मेकअप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रीतिशील सिंह का हाथ है। गौरतलब है कि राष्ट्र पुरस्कार जीत चुकी प्रतिशील हैदर मॉम, 102 नॉट आउट, ठाकरे शिवाय, हवाई ज्यादा, हाउसफुल 2-3, बाजीराव मस्तानी, चिचोरे मुल्क, पति पत्नी और वो और गंगूबाई काठियार वादा जैसी फिल्मों में अपना हुनर का जादू दिखा चुकी हैं। पुष्पा एक्शन फिल्म थ्रिलर है। आर्य और आर्य 2 जैसी हिट फिल्मों के बाद अल्लू अर्जुन एक बार फिर पुष्पा में निर्देशक सुकुमार के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा विजय सेतुपति, रश्मिका मंदाना, प्रकेश राज, जगपति बाबू मुख्य भूमिकाओं में, वहीं हरमन अउथमन, वेनेला किशोर और अनुसिया भारद्वाज की सहायक भूमिका निभाने वाले। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है। फिल्म की पृष्ठभूमि शौचालय के जंगल के इर्द गिर्द घूमती है और इस दक्षिण आंध्र प्रदेश में पूर्व घाटियों पर पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है। आपको बता दें कि स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के पिछले फिल्म अल्ला वेंकट पुरुमलो ने बॉक्स ऑफिस पर और टीवी पर और नेटफ्लिक्स पर भी यह काफी समय से धमाल मचाई है। यह फिल्म 2020 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और एक मानी जा भी रही है। अब उन्होंने सिनेमा घरों की फिल्म देखने के लिए लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए अपनी प्रतिभाशिक्त जो फिल्म पुष्पा की रिलीज डेट की घोषणा की। यह फिल्म 13 अगस्त 2021 को सिनेमा घरों में प्रदर्शित की जाएगी। इस पैन इंडिया बहुभाषित फिल्म को निर्देशक सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स के तहत मुतमें सेटी मीडिया के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें देवीश्री प्रसाद अपनी संगीत दे रहे हैं। इस फिल्म की कहानी के ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराती है जो अपने लोभ में डूबा हुआ है। निर्माता नवीन येनियार और रवि शंकर का मानना है कि हमें पुष्पा की रिलीज की तारीख की घोषणा को बेहद खुशी हो रही है और हमें इसे इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया है ताकि इसका आनंद सब भाषा के लोग उठा सके। रुचि इस फिल्म के हमारे साथ अल्लू अर्जुन मैसिव स्टार पावर है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करेंगे। पुष्पा की मनोरंजन कहानी के जरिए हमें दर्शकों को फ्रेश और जबरदस्त कंसेप्ट लेकर आने वाली। धन्यवाद। मैं हूं पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ए सर, मैं ऐसा ही हूं, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता हूं, और गुस्सा आता है तो हो रही है डिलीट।
इसके बारे में क्या कहना है फिल्म के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन का, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स के फिल्मों के बारे में अपडेट्स डालें तब आपको वो दिखे सबसे पहले। आजकल साउथ इंडियन एक्टर्स अपनी फिल्मों की मार्केट बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, वो भी जोरों शोरों से। बाहुबली के बाद कई सारे साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स जिनको अपनी फिल्मों की कहानी और कलाकारों पर विश्वास है, वो सब जा पहुंचे हैं अपनी फिल्म को एक पैन इंडिया रिलीज दिलवाने के लिए। तेलुगु के लिए बाहुबली, कन्नड़ के लिए KGF, अब लगता है फिर से तेलुगु फिल्म पुष्पा भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का नाम पूरे भारत में ऊंचाइयों पर करने का प्रयास में लग चुकी है। बाहुबली बनी थी और बहुत बड़ी हिट हुई थी, तब सबको उसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार था। फिर बाहुबली 2 ने सारे फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। तब महेश बाबू ने अपने एक इंटरव्यू में SS राजामौली की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्हें बहुत गर्व होता है कि ये सोचकर कि उनके तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का नाम आज पूरे विश्व में जाना जाता है। अब अपनी डिजिटल फिल्म इंडस्ट्री के नाम और ऊंचा ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं अल्लू अर्जुन। जब अल्लू अर्जुन की पुष्पा के पोस्टर अनाउंस हुए तब हर जगह उसके बारे में चर्चे शुरू होने लगी, क्योंकि साउथ इंडियन फिल्म्स में हर एक कलाकार कम समय के अंदर खत्म करने की कोशिश में लगा रहता है। इस फिल्म के लिए फिल्म की शूटिंग तुरंत शुरू हो गई। फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से विशाखापट्टनम में ही, तभी फिल्म के क्रू मेंबर्स में 6 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव निकल गए। जब ये बात पता चली तब तुरंत सबको अपने अपने घर भेजा गया था। हम बात कर रहे हैं नवम्बर 2020 की। अब हाल ही में करीब 5 महीनों बाद शूट को फिर से आरम्भ कर दिया गया है। फिल्म को मेरदमुली एरिया में शूट किया गया। अब अगले स्केड्यूल के लिए फिल्म की टीम केरला जाने वाली है। हाल ही में अपने प्रोड्यूसर दोस्त बनी वासु की फिल्म चावू खबरू चालागा के प्रीमियर पर अल्लू अर्जुन पहुंच गए, तब वहां पर मीडिया के कई लोग भी थे। जब उनको पुष्पा के अपडेट्स के बारे में पूछा गया तब उन्होंने अपने चाहने वालों को और फैंस को शुक्रगुजार करते हुए कहा, ठग दे ले, अब इससे तो मतलब निकल गया है कि या तो ठगा दे ले या फिल्म का कोई पंचलाइन डायलॉग है जिसके अल्लू ने वहां पे इस्तेमाल किया। नहीं तो ठग दे ले का मतलब बनता है कि फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। अब फिल्म बाकी फिल्मों की तरह और ज्यादा पोस्टपोन होती जाएगी या समय के अनुसार अच्छी रिलीज कर पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं हूँ पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है शाय श्रेष्ठ दास ने। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम, गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ए सर मैं ऐसा ही हूं, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता और गुस्सा आता है तो भूल कर रखता। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री।
क्या बॉलीवुड में भी एक सुपरस्टार बनना चाहते हैं अल्लू अर्जुन, और क्या बॉलीवुड में अपने कदम जमाने का इरादा है इनका, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा की। तो दोस्तों मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप सभी ने कभी साउथ इंडियन फिल्में देखी? वैसे अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाए तो मेरा जवाब होता है हाँ। और मुझे पता है आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं आधे साउथ इंडियन होंगे और आधे होंगे नॉर्थ इंडियन। तो आप लोगों ने, मैं नॉर्थ इंडियन वालों से सवाल कर रही हूँ, आप लोगों ने भी साउथ इंडियन फिल्में तो जरूर देखी होंगी ना। आप सभी को वो भाषा समझ आती है ना, आप सभी को समझ आता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, पर आप इन फिल्मों को देखना बड़ा इंजॉय करते हैं। और वैसे हम कई सारे टीवी चैनल्स पर ये भी देखते हैं कि साउथ फिल्मों को हिंदी डब कर दिखाया जाता है। तो दोस्तों अल्लू अर्जुन, सुधीर बाबू, महेश बाबू, रजनीकांत, ऐसे नाम तो हम सभी ने सुने ही हैं, और इनमें से कई एक्टर्स को तो हमने बॉलीवुड में काम करते हुए भी देखा है। जहां हमने रजनीकांत को अमिताभ बच्चन के साथ देखा है, वहीं एक तरफ शाहरुख खान के साथ भी देखा है, और साथ साथ ऐश्वर्या राय के साथ उनकी फिल्म रोबोट में तो देखा ही देखा है। उस फिल्म को भला किसने मिस किया होगा। लेकिन जिस तरीके से इन एक्टर्स को साउथ में पूजा जाता है, जिस तरीके से इन एक्टर्स को साउथ में प्यार किया जाता है, उन्हें वो रिकॉग्निशन, उस लेवल का रिकॉग्निशन बॉलीवुड में नहीं मिल पाता है। दोस्तों आप सभी को एक मजे की बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि रजनीकांत को पूरे साउथ में इस तरीके से पूजा जाता है कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो वहां पर पूरी नेशन वाइड हॉलीडे डिक्लेयर कर दी जाती है। जी हाँ, और साउथ इंडियन फिल्मों का बिजनेस जरा बड़ा है, यहाँ पर बॉलीवुड में भी इन फिल्मों को बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो जब साउथ के मेकर्स ने ये देखा कि लोग फिल्मों को इतना प्यार कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन फिल्मों का हिंदी डब कर रिलीज कर दिया जाए, क्यों ना इन फिल्मों को सिनेमा घरों में एज हिंदी डब रिलीज कर दिया जाए। ऐसे में हम साउथ की इन फिल्मों का मजा अपनी चुनी हुई भाषा में अपने पास के नजदीकी सिनेमा घरों में भी देख सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर बाहुबली फ्रेंचाइज और KGF फ्रेंचाइज ने फिल्मों को डब कर सिनेमा में रिलीज किया है, और यहाँ तक कि साहू जैसी फिल्मों में हिंदी एक्टर्स को भी लिया गया है। साउथ के मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन अभी तक इस सब को नोटिस करते आ रहे थे। वैसे तो उनकी ऑडियंस तमिल ऑडियंस, कन्नड़ ऑडियंस, यही सब, लेकिन अब वो अपने इस टारगेट को बदलना चाहते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलीवुड एस्पिरेशनल लगता है, और यहाँ तक कि उरी जैसी फिल्म की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अगर उनको कभी उरी जैसी फिल्म ऑफर की जाए तो वो उस फिल्म को जरूर करना चाहेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तमिल फिल्म अर्जुन रेड्डी, ऐसी फिल्मों में वो काम नहीं करना चाहते, इसलिए वो अब पुष्पा को पैन इंडिया रिलीज दिलाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो फिल्म बॉलीवुड में रिलीज कर दी जाएगी। तो अब ये देखना बाकी होगा कि कितनी तेजी से अल्लू एंट्री मारते हैं बॉलीवुड के मार्केट में, और आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। पुष्पा में होने वाली है उर्वशी रौतेला, क्या होने वाली है पुष्पा के खास बातें, कब तक ये फिल्म रिलीज होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूँ सोनिका जैन। पुष्पा की लगातार अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं। एक और अपडेट सामने आई है पुष्पा की, और इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है उर्वशी रौतेला की। जी हाँ, उर्वशी रौतेला जो कि हॉट एंड स्टनिंग है, बॉलीवुड डीवा है, और अब उनका एक आइटम सॉन्ग होने वाला है पुष्पा में। बेहतरीन डांस तो उर्वशी करती ही है, साथ ही उनके जो लुक्स है वो वाकई कातिलाना है। और आपको बता दें पुष्पा जो फिल्म है उसका हाल ही में शूट शुरू किया था अल्लू अर्जुन से, सेट से भी बहुत सारी तस्वीरें लीक हुई थी, और जब लीक हुई थी तो सुकुमार जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी तस्वीर सामने आई, इसीलिए उन्होंने टाइट सिक्योरिटी कर ली है कि सेट से कोई भी तस्वीर बाहर ना जाए। वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं इस फिल्म के ज़रिए। आपको बता दें इस फिल्म में अल्लू अर्जुन का जो लुक है वो काफ़ी कमाल का है। अल्लू अर्जुन के इसमें कर्ली हेयर नज़र आ रहे हैं और चेक शॉट नज़र आ रही है, 90s का दौर दिख रहा है। इस फिल्म में वो जंगल का पूरा शूट है,
और साथ ही आपको बता दें इसमें सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अल्लू अर्जुन। और इसमें विजय सेतुपति भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं, वो पुलिस का किरदार करने वाले हैं और शायद अल्लू अर्जुन कैसे बचते हैं उनसे ये सारी कहानी होगी। रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के अपोजिट इस फिल्म में नजर आएंगी। वहीं आपको बता दें अल्लू अर्जुन की पुष्पा एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, यानी कि पहली बार बड़े पर्दे पर हमें अपने स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन नजर आएंगे। जब हम इन्हें छोटी स्क्रीन पर ही देखते हैं, टीवी पर देखते हैं तो मज़ा आ जाता है, लेकिन सोचिए बड़े पर्दे का अनुभव किस तरह से होगा जब ग्रैंड एंट्री होगी। और इसमें खाली एक जब एंट्री होनी है अल्लू अर्जुन की, उस पर 6 करोड़ का बड़ा खर्चा किया गया है, बहुत ही धमाकेदार इसको बनाया जाएगा। इसमें एक्शन सीन्स भी कमाल के होने वाले हैं दोस्तों, यानी कि फुल्ली एंटरटेनमेंट फिल्म ये होने वाली है क्योंकि एक्शन तो है ही, साथ ही आपको उर्वशी रौतेला का धमाकेदार डांस भी इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कितना इंतज़ार है आपको अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और अगले साल तक इसे रिलीज़ किए जाने का प्लान है, तो लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में कितना इंतज़ार है पुष्पा का, अल्लू अर्जुन आपको कैसे लगते हैं। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड रिव्यूज़ के लिए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को। आगामी फिल्म पुष्पा के म्यूजिक डायरेक्टर देवीश्री प्रसाद कौन सा बड़ा धमाका मचाने जा रहे हैं, क्या है उनकी प्लानिंग और 25 दिन में पैसा डबल होने के बाद अब होगा 6 मिनट में 6 करोड़ का कारनामा, क्या है पूरी बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। फिल्म पुष्पा की बात करें तो इसमें स्टाइलिश स्टार बिल्कुल भी स्टाइलिश अवतार में नहीं होंगे, बल्कि एक ग्रामीण ट्रक ड्राइवर की भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म की कहानी भी काफी दिलचस्प है और इसमें पहली बार अल्लू अर्जुन एक 7 करोड़ की वैनिटी वैन नहीं बल्कि एक मामूली से ट्रक में चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग ते हुए देखे जाएंगे। लेकिन हमेशा एक फिल्म के एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की बात की जाती है, क्यों हम फिल्म के इतने अहम भाग यानी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में बात नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि जो दिखता है वो ही बिकता है। आज फिर हमारे पास इतने पावरफुल प्लेटफॉर्म्स और ढेर सारी एप्स हैं जिसकी मदद से इन्हें छुपे रस्तम टैलेंटेड लोगों के बारे में हम जानते हैं और ये वो कलाकार हैं जो शब्दों को म्यूजिक से जोड़कर स्क्रीन पर जादू बिखेरते हैं। अब इमरान हाशमी को ही ले लीजिए, उनकी फिल्म में एक्टिंग या कहानी से ज्यादा हमेशा फिल्म के गाने से पॉपुलर होती थी, मानते हैं कि नहीं आप इस बात को। वहीं कुछ ऐसे भी गाने रहे हैं जिनका म्यूजिक रू छूने की ताकत रखता है या फिर आपको थिरकने पर मजबूर कर देता है। अब पंजाबी गायक सुखबीर का गाना ओह ओ इश्क तेरा तड़पावे को ही ले लीजिए, ये एक यूनिवर्सल वेडिंग सॉन्ग है, पंजाबी हो या बिहारी सबकी शादियों में ये गाना बजेगा और बाहर से आए फॉरेनर्स को भी पता है जहां डीजे वाले ने म्यूजिक बंद किया वहां ओ हो माना है बोलना है हमें। ऐसे ही एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रीतम चक्रवर्ती जिनको सभी जानते हैं, उनके गाने जैसे कि बुलिया चन्ना मेरे यहाँ तुझे सोचता हूँ कुछ ऐसे सोलफुल गाने हैं जिन्हें कभी भी सुना जा सकता है। और तो और हमारे दक्षिण की म्यूजिक डायरेक्टर्स की भी ऐसी में कमी नहीं है बल्कि ज्यादा ही है। मराठी फिल्म सैराट किसको नहीं याद होगी, आपको नहीं पता तो ये वही फिल्म है जिसका हिंदी रीमेक धड़क थी, जहां हिंदी वर्जन असफल रहा था वहीं मराठी फिल्म सुपरहिट रही थी। करण जौहर सोच रहे होंगे मैं भी थोड़ा हाथ सेक लूं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दिवाली की जगह उनका दिवाला निकल जाएगा। फिल्म का म्यूजिक भी जबरदस्त था जिससे यद लागला सॉन्ग से पियाने वायलिन और यहाँ तक कि बांसुरी और माउथ ऑर्गन का भी इस्तेमाल किया गया था जिसमें साउथ के दिग्गज ऑर्केस्ट्रा का हाथ था। ऐसे ही कुछ खास हैं साउथ के म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद, वहीं कई वर्षों से उद्योग में नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। देवी श्री प्रसाद खुद स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा, रवि तेजा की खिलाड़ी और नितिन की रंग दे जैसी विभिन्न फिल्मों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में अपने परिश्रमिक को कम करने का बड़ा फैसला लिया
है। ये फैसला उन्होंने अपने करियर को बढ़ावा देने के लिए लिया ताकि एक बार फिर से वो अपने पहले स्थान वाली गद्दी को अपना हक से जमा सके। वहीं फिल्म पुष्पा में अल्लू अर्जुन एक नेगेटिव किरदार और उस किरदार के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। हो सकता है पुष्पा नाम इसलिए भी रखा गया हो कि फिल्म का कि जैसे मिट्टी से निकलकर एक कली सुंदर फूल बन जाती है, उसी तरह अल्लू अर्जुन के किरदार से भी एक ऐसे ही कुछ बदलाव दिखाई जाए। बाकी फिल्म में अल्लू के किरदार का नाम भी पुष्पाराज है। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा रश्मिका मंदाना भी, जिन्हें ग्लैमरस डॉल कहा जाता है, और फिल्म में अल्लू अर्जुन की ही तरह रश्मिका भी एक ग्रामीण वातावरण में गुजारा करते हुए दिखेंगी। और आपको पता है ये गांव की छोरी कोरिया बैंड BTS की फैन है। उन्हें BTS की तारीफ करते हुए कहा ही, इतने कम उम्र में भी काफी प्रोफेशनल है BTS। रश्मिका ने ये भी खुलासा किया कि डायनामाइट और बॉय विद लव उनको पसंदीदा BTS गाने हैं। और लेकिन सबसे अहम सवाल तो अभी भी वही है कि 6 मिनट के 6 करोड़ की क्या स्कीम है राजू? तो सुनिए, फिल्म पुष्पा के लिए एक एक्शन सीन्स की बहुत ही चर्चा में है और इस एक्शन सीक्वेंस की खासियत ये है कि 6 मिनट के इस सीन के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यही नहीं, ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया पर आधारित है, जिसका उद्देश्य इंडस्ट्री के लोगों को रोजगार देने से जुड़ा है। तो क्या फिल्म सुई धागे के बाद पुष्पा करेगी मेक इन इंडिया पर बात, और क्या अल्लू अर्जुन करेंगे इस फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट? हमें अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। वहीं अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। फिल्म पुष्पा में अब नहीं होगी दूसरी हीरोइन की एंट्री। आखिर क्या है इसकी वजह? वहीं क्या बॉलीवुड के इन दो एक्टर्स को फिल्म में विलेन के लिए अप्रोच किया गया था? अल्लू अर्जुन की स्मगलिंग के ऊपर जल्द ही एक फिल्म आ रही है, और जी हाँ, वही क्या मैसेज देगी ये फिल्म और क्या है रोचक बातें फिल्म को लेकर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। और आज हम इस वीडियो में फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जहाँ फिल्म एक ऐसी स्मगलर की कहानी है जो हालातों के तले एक ऐसे जाल में फंसा है जिससे बाहर आना नामुमकिन है, वहीं फिल्म में जब उसका कोई साथ नहीं देगा तब उसकी जिंदगी में एक आशा की किरण भी आएगी। कौन हो सकती है ये आशा की किरण? जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक्शन होगा, ड्रामा होगा, लूटपाट दिखाई जाएगी, वहीं फिल्म का नाम फिल्म की कहानी से हटकर पुष्पा रखा गया है। क्या खास बात है? लेकिन इस नाम से बता दें, टाइटल हीरो के नाम से प्रेरित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन के किरदार का नाम पुष्पा राज है, यानी ये तो जाहिर है फिल्म पुष्पा राज की कहानी के लिए। लेकिन क्या कहानी है इस मामूली से इंसान की? ये मामूली सा इंसान एक ट्रक ड्राइवर है जो ऐसे कुछ लोगों के लिए चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करता है जिनके नाम से पुलिस वाले भी डरते हैं।
वहीं फिल्म में अल्लू अर्जुन आपको एक नए तरह की बोली बोलते हुए नजर आएंगे और फिल्म में वे आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की बोली बोले जाने वाले एक्सेंट में बात करते हुए दिखेंगे। वहीं फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना भी चित्तूरी बोलते हुए देखी जाएंगी, जिसके लिए दोनों ही सितारों ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली ताकि उनकी भाषा एकदम साफ और चित्तूरिया जैसी लगे। वहीं फिल्म में एक ऐसा मोड़ भी आएगा जब पुष्पा से होगी एक गलती, जिसकी सजा उसको अपनी जान जोखिम में डालकर देनी पड़ेगी और उसकी जान के प्यासे वही नामची डीलर्स होंगे जिनके लिए वो काम कर रहा होगा। क्या वही डीलर्स तमिल सिनेमा के विजय सेतुपति होंगे या फिर जगपति बाबू, या फिर कहीं दोनों मिलकर इस बार हीरो अल्लू अर्जुन को धूल चटाएंगे? बता दें फिल्म के विलेन इस बार काफी स्ट्रांग होंगे और एक नहीं बल्कि दो विलेन फिल्म के लिए फाइनल किए गए हैं। साथ ही हो सकता है बनी को इस इनके हिराने के लिए एक ऐसे रास्ते पर चलना पड़े जिसमें रश्मिका बने उनकी आशा की किरण। रश्मिका का किरदार फिल्म में एक पुलिस अफसर का बताया जा रहा है। वहीं जगपति बाबू और विजय सेतुपति के साथ पहले पुष्पा के डायरेक्टर के मन में विलेन के लिए दो बॉलीवुड के सितारों का नाम भी था और क्या जानना चाहेंगे आप वो नाम? ये नाम थे जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी के। जी हाँ, लेकिन दोनों ही एक्टर्स फिलहाल मुंबई सागा की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिस वजह से भी बात नहीं बन पाई। फिल्म में जहाँ मुख्य किरदारों में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, विजय सेतुपति और जगपति बाबू है, वहीं सूची में अदाकारा निवेथा थॉमस का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन सभी खबरों को खारिज कर दिया गया और फिल्म में केवल रश्मिका मंदाना ही बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देंगी। फिल्म में उनके अलावा दूसरे अदाकारा की जगह है ही नहीं। ये बदलाव उनकी एकदम से बढ़ती पॉपुलैरिटी और उनकी बढ़ती फीस को देखते आया है। वहीं पूजा हेगड़े भी रश्मिका को कंपटीशन देने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं और अपनी फिल्म राधे श्याम के साथ और जिनमें वो बाहुबली फेमस प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। वहीं क्या आप जानते हैं अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी कितनी बड़ी है? चलिए आज उनकी संपत्ति और गाड़ियों के बजाय उनके डायरेक्टर्स की लिस्ट की बात करते हैं जो उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में देंगे उनका साथ। फिल्म पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने बनी के करियर की वो फिल्में उन्हें दी, जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम पर हैं। वह फिल्म थी आर्य। वहीं अब रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म दरबार के निर्देशक ए आर मुर्गादास एक रोमांचक परियोजनाओं के लिए स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के साथ से जुड़ने जा रहे हैं। वहीं ये डायरेक्टर हैं जिन्होंने आमिर खान को लेकर गजनी बनाई थी। दोनों ही फिल्म और फिल्मों के सितारे अपने अपने क्षेत्रों में महारथी हैं और वहीं अल्लू अर्जुन भी तेलुगु सिनेमा के टॉप सितारों में गिने जाते हैं। इसके साथ ही हर बड़े एक्टर को अपने कैमरे के लेंस में उतारने वाले कौरतला शिवा के साथ भी एक फिल्म अल्लू अर्जुन ही जल्द शुरू करने जा रहे हैं। तो कौन से अगले डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे अल्लू अर्जुन? क्या ये हो सकता है कि फिल्म आरआरआर और बाहुबली के निर्देशक एसएस राजमौली? आपका क्या कहना है इस बात पर हमें अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन रावत ने लिखी है। आंध्र प्रदेश के जंगलों में हुई फिल्म पुष्पा की शूटिंग शुरू और क्या इस बार अल्लू अर्जुन सहित फिल्म के सभी सितारे मनाएंगे जंगल में दिवाली? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में। आपने जंगल में मंगल की कहावत तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपने जंगल में दिवाली के बारे में सुना है? जी हाँ, इस बार लगता है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन अपनी दिवाली जंगलों में रश्मिका मंदाना के साथ मनाने वाले हैं। 12 नवंबर से शुरू हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की शूटिंग के लिए आंध्र प्रदेश के शेषचलम जंगलों में पहुंची है पूरी टीम और फिल्म से अल्लू की तस्वीरें सामने आई जिसमें वो ब्राउन रंग की शर्ट और पैंट में दिखाई दिए हैं। उनका चेहरा तस्वीरों में नहीं दिखा गया, लेकिन पुष्पा के पोस्टर से मिलता जुलता दिखाई दिया बनी का अवतार। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन 8 अप्रैल पर निर्माताओं ने पुष्पा के पहले फर्स्ट लुक पोस्टर और शीर्षक को रिलीज किया, जो कुछ समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। निर्माताओं इस पर कम से कम 4 लाख दल के साथ शूट करने की योजना बना रहे हैं और फिल्म की टीम में शामिल प्रत्येक टेक्नीशियन को नियमित आधार पर कोविड-19 परीक्षण देने के लिए कहा जा रहा है। अल्लू अर्जुन 2021 की शुरुआत में फिल्म को पूरा करने की योजना बना रहे हैं और फिर वो अपनी अन्य फिल्मों पर काम करेंगे। फिल्म रश्मिका मंदाना एक वन अधिकारी की भूमिका निभाएंगी और ट्विटर पर फिल्म के सितारे और तमिल अभिनेता विजय सेतुपति पर ट्रेंड कर रहे हैं। ये ट्रेंड नेगेटिव वजह से है और इसका ना सिर्फ क्रिकेट से संबंध है बल्कि पड़ोसी देश श्रीलंका से भी जुड़ा हुआ है। विजय सेतुपति श्रीलंका के सिम्पन मुथैया मुरलीधरन के बायोपिक में काम कर रहे हैं और जिसका हाल ही में पहला प्रमोशन मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है। ये मोशन पोस्टर रिलीज होते ही तमिल लोगों ने विजय सेतुपति पर हमला बोल दिया।
उनका कहना है कि लाखों तमिलों के हत्यारे श्रीलंका देश के क्रिकेट सितारे की बायोपिक में काम करना गलत है। मुथैया मुरलीधरन पर बन रही इस फिल्म का नाम 800 है और ट्विटर पर अब तक लाखों लोग हैशटैग शेम ऑन विजय सेतुपति के साथ ट्वीट कर चुके हैं। लोग विजय सेतुपति की फिल्मों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं और वहीं क्या इस फिल्म की वजह से ये विजय का ये फिल्म पुष्पा में काम करना तो मुश्किल नहीं हो जाएगा। जहां फिल्म के सितारे विजय सेतुपति मुश्किलों में फंसे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ की हीरोइन रश्मिका मंदाना भी इनकम टैक्स के चक्करों में फंसी हुई हैं और साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना कई तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वहीं साउथ में अब तक वो जानी मानी एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन रश्मिका मंदाना को साउथ की सबसे महंगी हीरोइन भी कहा जाता है। और वहीं रश्मिका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। अधिकारियों के जांच पड़ताल दौरान एक्ट्रेस के घर में 25 लाख रुपीज बरामद हुए हैं। कैश के अलावा घर से प्रॉपर्टी के कागज भी बरामद हुए हैं और वहीं रश्मिका के माता पिता इनकम टैक्स के छापे पर कुछ भी बात करने से बच रहे हैं। रश्मिका के बैंक की भी छानबान की जा रही है और वहीं रश्मिका केवल 24 इयर्स की है और इतनी सी उम्र में उन्होंने डियर कॉमरेड जैसी सुपरहिट फिल्म दी थी और महेश बाबू और अल्लू अर्जुन के साथ बड़े कलाकारों जैसे साथ काम करने का मौका पाया। वहीं क्या आप जानते हैं साउथ की चुलबुले सी दिखने वाली एक्ट्रेस के पीछे छुपी है कुछ दुख भरी दास्तां? हजारों को अपनी क्यूट अदाओं से घायल कर चुकी हैं रश्मिका और अपनी सगाई टूटने की वजह से काफी मायूस थी, लेकिन अपनी इस मायूसी को एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर से दबा दिया। 2017 में रश्मिका ने अपनी फिल्म की पार्टी के हीरो रक्षित शेट्टी के साथ सगाई रचा ली थी, लेकिन तालमेल न बन पाने की वजह से दोनों ने 2018 में सगाई तोड़ दी थी। वहीं क्या गुण चाहती हैं वो अपने फ्यूचर हस्बैंड में? तो बता दें रश्मिका को कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान और जीवन साथी के रूप में चाहिए। इतनी महंगाई में अच्छा इंसान मिल पाना थोड़ा मुश्किल है रश्मिका। देखिए अगर अमीर आदमी से ही काम चल जाए तो अर्जुन रेड्डी बाइक उठाए तैयार होंगे। वहीं रश्मिका 2021 की शुरुआत में अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा में दिखाई देंगी, साथ ही उनकी दूसरी फिल्मों में पोगरू और सुल्तान शामिल है। तो क्या है आपकी नजरों में कोई रश्मिका के लिए सूटेबल दूल्हा? कौन ये यंग बॉलीवुड एक्टर के साथ जोड़ी जम सकती है रश्मिका की फिल्मों में? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन रावत ने लिखी है। क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? ये विलन अल्लू अर्जुन के साथ और किस फिल्म में नजर आ चुका है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुयाल। अल्लू अर्जुन की पुष्पा के लिए गजब का बस बना हुआ है। इसमें उनके अपोजिट रश्मिका मंदाना नजर आने वाली है, विजय सेतुपति नजर आने वाले हैं, सुकुमार इसे डायरेक्ट करने वाले हैं और अब विलन को लेकर भी खबरें हैं। पहले खबरें थी कि सुनील शेट्टी भी इस फिल्म में होंगे एज अ विलन, लेकिन आपको बता दी ये खबर सरासर फेक है, तो इस खबर पर विश्वास ना करें। और इसमें जो विलन का नाम सामने आया है वो है आर्या, जो कि साउथ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं उन्हें कहा जा सकता है और बहुत फिल्मों में उन्होंने काम किया है। यहाँ तक कि अल्लू अर्जुन के साथ भी वुरुदु नाम की फिल्म में वो काम कर चुके हैं और ये दूसरी बार होगा जब वो काम करेंगे अल्लू अर्जुन के साथ। वुरुदु का जो हिंदी में नाम था वो था एक और रक्षक, तो आपने ये फिल्म देखी होगी एक और रक्षक नाम की, और इसमें नजर आए थे आर्या जो कि काफ़ी डैशिंग है और पुष्पा में भी नजर आते हैं एज अ विलन, तो बड़ा मजा आएगा। इसके अलावा आपको बता दें एक स्मगलिंग की कहानी है, मतलब कि एक जंगल की कहानी जहाँ पर सैंडलवुड लकड़ी है उसकी स्मगलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं अल्लू अर्जुन। विजय सेतुपति इसमें पुलिस के किरदार में नजर आएंगे और हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया है शूटिंग और जंगल की कुछ तस्वीरें सामने आईं जो कि भयंकर वायरल हुई कि भाई अब तो शूटिंग शुरू हो गई है, अब तो मज़ा आने वाला है, जल्द से जल्द ये फिल्म नज़र आएगी। फिल्म की शूटिंग आंध्र प्रदेश में हो रही वाली है जो कि वहाँ पे जंगल है, वहाँ पर शूट किया जा रहा है फिल्म को। अल्लू अर्जुन का लुक इस बार बहुत ज़्यादा डिफरेंट रखा गया है, जो कि सेट से तस्वीरें सामने आई थी। कर्ली हेयर उनके नज़र आ रहे हैं, डैशिंग वो हमेशा नज़र आते हैं और हर फिल्म के साथ अपना स्टाइल चेंज करते हैं, इसीलिए उन्हें साउथ का स्टाइलिश स्टार भी कहा जाता है। और उनकी जो शर्ट है, पैंट है, हाथ में स्टील की घड़ी है, वो कहीं ना कहीं हमें 80s से 90s के दौर में ले जाती है, यानी कि विंटेज ये कहानी हो सकती है, पुरानी ने जमाना इसमें दिखाया जा सकता है, जिस तरह से अल्लू अर्जुन का रफ लुक नजर आ रहा है और काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। रश्मिका मंदाना की बात करें तो अल्लू के साथ हाल ही में जो उनकी फिल्म आई थी अला वैकुंठपुरम लो, उसमें भी वो नजर आई थी और कमाल की जोड़ी है रश्मिका को मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। उनके एक्सप्रेशन लगा लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमेशा उनकी वीडियोस दिखती है जो वायरल होती रहती है, महेश बाबू के साथ जो उन्होंने फिल्म की थी उसके एक्सप्रेशन जो थे
वो बहुत ज़्यादा पसंद किए गए उनके, तो बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है और इन दोनों की जोड़ी कमाल की लगती है। तो दोस्तों आपको कितना इंतज़ार है इस फिल्म का, रश्मिका और अल्लू अर्जुन की केमिस्ट्री एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने का, क्योंकि इस बार पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, पहली बार अल्लू अर्जुन हमें बड़े पर्दे पर नज़र आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो बनी होगी। आपको कितना इंतज़ार है पुष्पा? कीचड़ में ही कमल खिलता है, क्या पुष्पा राज की कहानी भी कुछ इसी तरह की होगी? वहीं चंदन की स्मगलिंग करते हुए कौन पड़ा अल्लू अर्जुन के पीछे, पुलिस या फिर भूत? किससे बचना है ज्यादा मुश्किल। क्या आप भी मेरी तरह भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते? लेकिन अगर यह भूत एक इंसान की तरह ही दिखता हो, चलता फिरता हो, गाने भी गाता हो, तब भी क्या आप उसे एक भूत मानेंगे? अरे ये फिल्म भूत है बाबू भैया, इसमें तो खोपड़ी भी नहीं फोड़ सकते। लेकिन फिल्मी भूत भूतनाथ हो सकता है, भूत अंकल हो सकता है, और यहाँ तक कि आपका दोस्त भी बन सकता है। इसका मतलब भूत काफी फ्रेंडली हो गए हैं। लेकिन क्या जंगलों में पाए जाने वाले भूत भी फ्रेंडली होते हैं? इस बात का जवाब तो अब साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ही दे सकते हैं, जो आजकल अपनी फिल्म पुष्पा की तैयारी में काफी व्यस्त हैं। लेकिन फिल्म पुष्पा का भूत से क्या लेना देना, यही सोच में पड़ गए ना आप। तो आपको बता दें, पुष्पा की टीम से अब एक भूत भी जुड़ने वाला है। यह भूत भी काफी फ्रेंडली है और इसके आप पहले से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेलुगु सिनेमा के कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदन की, जिन्होंने अक्सर आपको हंसाया है अपनी अजीब और गरीब हरकतों को और कारनामों से। फिल्म का प्लॉट काफी गंभीर है, जिसमें एक्शन और हंगामा है, लव स्टोरी है, तो फिल्म में कॉमेडी भी जरूर थी। फिल्म की शूटिंग आंध्र प्रदेश के शेषाचलम की पहाड़ियों में की जाएगी, जहां पर फिल्म के सितारे पहुंच चुके हैं पूरी सुरक्षा के साथ। वहीं फिल्म में अल्लू चतुर्भाषी होंगे। वहीं क्या चित्तूर और चित्तौड़ एक ही है? क्यों इतने मिलते जुलते नाम है दोनों जिलों के? तो बता दें, चित्तूर और चित्तौड़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जहाँ चित्तूर आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा जिला है, वहीं चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक जिला है, जहाँ इतिहास में काफी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। दोनों के नाम में समानता भी महज एक इत्तफाक ही है। वहीं फिल्म में अल्लू एक स्मगलर की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे, जिसके पीछे पुलिस भी पड़ जाएगी। लेकिन अगर पुलिस रश्मिका मंदाना जैसी खूबसूरत अदाकार हो सकती है, और कोई ऐसी फिल्म के चंगुल में पड़ना जाएगा। वहीं पुलिस से बचते हुए हो सकता है अल्लू अर्जुन का सामना शोषचलम की पहाड़ियों के भूत से हो, और जो कि असल में एक स्थानीय शराबी निकले, जिसे अगले ही दिन कुछ याद ना रहता हो। इसी वजह से अब उस शराबी को रात के अंधेरे में भूत समझने की गलती कर बैठे हैं। अब एक तरफ रश्मिका मंदाना पुलिस के किरदार में, वहीं दूसरी तरफ यह शराबी नकली भूत। तो चुनाव आसान है, आदमी आप भी समझदार ही लगते हैं। लेकिन इतने प्रचार और शोर के बावजूद फिल्म को बनने से लेकर फिल्म को रिलीज करने से क्यों आ रही इतनी परेशानियां? क्यों दर्शकों ने कहा डायरेक्टर सुकुमार को स्लो एंड स्टेडी है? वहीं क्या यह स्लो एंड स्टेडी टाइटल से संतुष्ट है डायरेक्टर? सुकुमार ने फिल्म पुष्पा का ऐलान दिसंबर 2019 में ही कर दिया था, और 2020 में फिल्म को रिलीज करने की सारी प्लानिंग भी बना ली थी। लेकिन लगता है कोरोना ने फिल्म की शूटिंग पर वायरस फिर फेर दिया है। अब क्या करें, ठंड है तो पानी फेरेंगे, तो फिल्म को कहीं और आगे ना बढ़ाना पड़ जाए। लेकिन चाहे डायरेक्टर सुकुमार स्लो एंड स्टेडी क्यों ना हो, लेकिन उनकी प्लानिंग एकदम फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग है। फिल्म की शूटिंग के साथ ही फिल्म के गानों को भी सब तैयारी हो चुकी है। यह तो वही बात हो गई कि सारी सामग्री तैयार है, बस कढ़ाई चढ़ाकर सामग्री को डालने में देर है, और बस आपकी मास्टर क्लास डिश तैयार है। फिल्म के गानों की बात करें तो यह तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फिल्म चंदन की स्मगलिंग के ऊपर है, तो वहीं अगर गाने भी चंदन के ऊपर ही बनाए गए हो तो क्या बात होगी। फिल्म का एक गाना कुछ इस तरह का हो सकता है रश्मिका मंदाना के लिए, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्कुराना, मुझे दोष न देना जंगल वालों, जो हो अगर मैं दीवाना। भाई एक गाना और भी बनाया जा सकता है, जैसे कि सुनहरा बदन हल्दी चंदन, लेकिन देखेंगे कहीं निर्मा सैंडल सोप इस गाने पर रोक लगाकर सुकुमार की फिल्म पुष्पा को ही ना बंद करवा दे, हम तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे। वहीं क्या आप चाहते हैं फिल्म कॉमेडी की ब्रह्मानंदम को देखना? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने। ऐसी लड़की पुष्पा कृष्णन की कहानी दिखाई जाए तो अपने नाम से एकदम विरुद्ध काम करती हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक हैं अल्लू अर्जुन ने अपनी एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पा पर प्रमुख फोटोग्राफी शुरू कर दी है।
फिल्म की शूटिंग अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के साथ बेंगलुरु में की जाएगी, जहां फिल्म का सेट तैयार किया जा चुका है। वहीं फिल्म पुष्पा एक लॉरी ड्राइवर की बेटी पुष्पा राज की कहानी, जो चंदन की स्मगलिंग करता है। वहीं पुष्पा शब्द पुष्प से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फूल। वहीं ये नाम आपने पहले भी सुना होगा बाबू मोशाय राजेश खन्ना के मुंह से, जिनका मशहूर डायलॉग था पुष्पा आई हेट टीयर्स, जो उन्होंने फिल्म की हीरोइन के लिए बोला था। वहीं आज इस नाम से अगर फिल्म बनाई जाए और फिल्म की हीरोइन का नाम पुष्पा हो तो कैसा आलम होगा, ये जानते हैं। पुष्पा को अपने नाम से हमेशा चिढ़ थी, और हो भी क्यों ना, आखिर 21वीं सदी में भला कौन सी लड़की अपना नाम पुष्पा चाहेगी, और नाम से ही किसी पुरानी फिल्म की याद आती है। लेकिन पुष्प जानती थी कि उसका नाम उसके पिता ने उसकी मृत माँ की याद में रखा था, जिनका नाम कमल था। वहीं उसके पिता तो उसका नाम पुष्प कमल रखने वाले थे, लेकिन थैंक गॉड की बुआ ने ऐसा होने नहीं दिया। शायद इसीलिए ही उसने सेकंड स्टैंडर्ड से ही अपने सभी दोस्तों को उसे पुष्पा से पेप्स बुलाने को बोल दिया। पेप्स बड़े लाड़ों से पली थी, और वहीं पेप्स यानी पुष्पा कृष्णन, जिसने माँ की गोद से भले सरक के नहीं लोरियां सुनी हो, लेकिन पिता की परवरिश ने उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वहीं पिता बालाकृष्णन कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर थे, जो पुष्पा को भी अपनी ही तरह हिस्ट्री का प्रोफेसर बनाना चाहते थे, लेकिन कभी अपनी राय अपनी बेटी पर उन्होंने थोपी नहीं। वहीं पुष्पा एक टॉम बॉय लड़की थी, जिसे ना तो लड़कियों की तरह कपड़े पहनने आते थे, ना ही सजना सवरना, ये उसके बस की बात ही नहीं थी। बाला भी बचपन से उसे अपने नाई के पास बाल कटवाने ले गया। वहीं जहां से खुद के लिए कपड़े खरीदता था, वहीं से पुष्पा के लिए जीन्स और टी शर्ट खरीद ली। पुष्पा यानी एक कोमल फूल, जो अपनी खुशबू से भंवरों को अपनी तरफ खींचता है, और वहीं ये पुष्पा अपने नाम से एकदम उल्टी थी। बैम्बू स्टिक जैसी लंबी और लड़कों जैसी चाल, लड़के हमेशा उसे एक दूसरे लड़के की तरह ही देखते थे, और पैप्स को भी इस बात से कभी कोई दिक्कत नहीं थी, और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वो कुछ दूसरी लड़कियों जैसे अलग थी। लेकिन पुष्पा अब बड़ी हो गई थी, 18 साल की, और कल उसके लिए बहुत बड़ा दिन था, कॉलेज का पहला दिन। पुष्पा को मालूम था वो कोई स्कूल की बच्ची नहीं रही जो लूज जीन्स और टी शर्ट से काम चला ले। उसने अपने बड़े दिन की तैयारी कर रखी थी, और उसका फोन बजा तो देखा बुआ का अमेरिका से वीडियो कॉल आ रहा है। पुष्पा ने कॉल उठाया और बुआ को अपना कॉलेज का लुक सबसे पहले दिखाया। बुआ ने देखा तो देखती रह गई। पैप्स को पॉप्स यानी बाला से जब पुष्पा का ये मॉडर्न लुक देखा तो उनके होश उड़ गए, और उड़े भी क्यों ना। पुष्पा ने काले रंग की लेदर जैकेट, काली ही जीन्स और चश्मे लगाए हुए थे। पुष्पा किसी कॉलेज गैंग की लीडर लग रही थी। उसके लिए एक आलीशान काली स्कूटी घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी, और पैप्स ने पॉप्स को गिफ्ट के लिए थैंक यू बोला और कॉलेज के लिए निकल गई। लेकिन ये खुशियां कुछ पल की ही मेहमान थी, क्योंकि उसके सीनियर्स पहले ही उसके दिन रैगिंग लेने के लिए पहुंच गए थे। कार्तिक और उसके दोस्तों ने पुष्पा के ऊपर से नीचे तक देखा, और सलामी देते हुए जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। कार्तिक ने उसका नाम पूछा तो उसने धीमी आवाज में कहा पैप्स। कार्तिक ने मजाक उड़ाते हुए कहा सिर्फ स्टाइल ही अतरंगी नहीं, बेबी का नाम भी काफी मॉडर्न है। पूरा नाम क्या है मिस पेप्स? उसने धीमी आवाज से जवाब दिया पुष्पा, जिसे सुनकर जोर जोर से सारे लोग हंसने लगे, और वहीं पुष्पा की आंखों से आंसू आ गए। अब लड़की को रोते देख उस खड़ूस कार्तिक का दिल भी पिघल गया, और उसने अपना रुमाल पुष्पा की तरफ बढ़ाते हुए कहा पुष्पा आई हेट टीयर्स, और इस लाइन को सुन के अब पुष्पा के रोते हुए चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। तो क्या ये पहली मोहब्बत की घंटी थी जो पुष्पा के दिल में बजी कार्तिक के लिए? आपको क्या लगता है हमें कमेंट से जरूर बताएं, और वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन रावत ने लिखी है। अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा के टीजर से कैसे धमाल मच चुका है, वो झलकियां जो सुकुमार ने दिखाई है, कैसे फिल्म के जो चाहने वाले उनके एक्साइटमेंट बढ़ के रह गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज़, मैं हूं सोनिका जैन। बात करेंगे अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की, जिसका हल्की सी झलक दिखी है, और इसी झलक ने दीवाना बना दिया है फैंस को। और यकीन मानिए, जितना बस KGF चैप्टर 2 का है, उस बस को टक्कर दे रही है अल्लू अर्जुन की पुष्पा, क्योंकि जब से अनाउंस हुई है तभी से लोगों को बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है इसकी अगली झलक का। और पुष्पा की शूटिंग तो बहुत पहले शुरू की जानी थी, लेकिन पेंडेमिक के चलते सब कुछ बंद हो गया, और उसकी वजह से नहीं हो पाई। और उस टाइम से अल्लू अर्जुन भी तड़प रहे होंगे, वो सुपरस्टार जो हमेशा बिजी रहता है, फिल्मों में धमाल मचाता है, 6 महीने उसके लिए ऐसे रुकना काफ़ी मुश्किल समय रहा होगा। लेकिन जो अब झलक आई है, अल्लू अर्जुन फिर से फ्रंट फुट पे आ गए, और बेहतरीन खेल रहे, भयंकर खेल रहे, क्योंकि उनका जो लुक सामने आया है वो वाकई बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और आपको बता दें कि जो ये फिल्म है पुष्पा,
उसके हल्की सी झलक सुकुमार ने दी है और उसमें बता दिया गया है कि फिल्म की शूटिंग 10 नवंबर से शुरू की जानी है। फिल्म की शूटिंग जिस जंगल में की जानी है वो है राजमुंदरी मरदुमिल्ली जंगल और वहाँ पर रिजॉर्ट है, वहीं पर रहेंगे। इसके जो एक्शन सीक्वेंस शूट करने वाले हैं वो राम लक्ष्मण शूट करने वाले हैं, जो कि इंडिया के बहुत बड़े एक्शन स्टार्स हैं और सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि ये हिंदी फिल्मों में भी एक्शन देते हैं, कोरियोग्राफ करते हैं। और हैदराबाद से जो तस्वीर सामने आई है अल्लू अर्जुन की वो भी बेहतरीन है, जो कि वो इस शूटिंग लोकेशन के लिए रुके थे और वहाँ से निकले थे। हैदराबाद एयरपोर्ट में उन्हें स्पॉट किया गया था, उन्होंने ब्लैक कलर का स्वेट शर्ट पहना था, क्रीम कलर की शॉर्ट्स पहनी थी और आज तक जो है कि स्ट्रेट हेयर का फिर से ट्रेंड आने लग गया था, लेकिन अब अल्लू अर्जुन को देख के जो ये पुष्पा वाला लुक है कर्ली हेयर का वो फिर से ट्रेंड करने लग जाएगा। और साथ ही सारी गाइडलाइंस के तहत इस फिल्म की शूटिंग की जाएगी। जो थोड़ी बहुत झलकियाँ, एक तो झलकी में सुकुमार डायरेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं अल्लू अर्जुन को और अल्लू अर्जुन का AA वाला लोगो दिख रहा है, हल्का सा वीडियो डाला है उन लोगों ने, ब्लर पिक्चर सामने आ रही है। और इसके अलावा उन्होंने शूटिंग डेट अनाउंस की है कि कल से हम शुरू कर रहे हैं भैया शूटिंग। और जो पीछे से उनके कपड़े दिख रहे हैं अल्लू अर्जुन के, वार्डरोब दिख रही है और उसमें ज़्यादातर चेक शर्ट्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि फिल्म में अल्लू अर्जुन का जो ज़्यादातर लुक होगा वो चेक शर्ट वाला होगा, वही पहनते हुए नजर आएंगे। और जो उनका लुक सामने आया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ये लुक है, कर्ली हेयर बियर्ड वाला लुक। अल्लू अर्जुन के हर फिल्म के साथ वो अपना जो लुक है वो चेंज करते हैं, इसीलिए उन्हें स्टाइल स्टार कहा जाता है। तो भाई आप पुष्पा के लिए आप तैयार हो जाइए क्योंकि गिनतियाँ शुरू हो चुकी है और जल्द से जल्द ये फिल्म रिलीज होगी। इसमें रश्मिका मंदाना और विजय सेतुपति भी नजर आएंगे। इस फिल्म का आपको कितना इंतज़ार है, अल्लू अर्जुन की फिल्मों का कितना इंतज़ार रहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को। शुरू हुई है, कैसा था अल्लू अर्जुन का लुक जब उन्हें स्पॉट किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जाल। सुकुमार की अपकमिंग फिल्म पुष्पा के लिए बहुत ज़्यादा बज बना हुआ है। अल्लू अर्जुन की ये फिल्म है और इसमें उनके अपोजिट रश्मिका मंदाना नज़र आने वाले हैं और विजय सेतुपति भी। आप जो खबर आई है वो शूटिंग से जुड़ी हुई है और एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है अल्लू अर्जुन को, क्योंकि वो शूटिंग के लिए वहाँ से रवाना हो चुके हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, उन्होंने ब्लैक कलर का स्वेट शर्ट पहना हुआ था, क्रीम कलर की शॉर्ट्स पहनी हुई थी, ब्लैक स्नीकर और मास्क, साथ में उनके जो लॉन्ग कर्ली हेयर है जो कि फिल्म का लुक भी है। हाल ही में उनका जो फर्स्ट लुक शेयर किया गया था उसमें बहुत ज़्यादा स्टनिंग वो लग रहे हैं। पैन इंडिया ये फिल्म है, पांचों भाषाओं में इसके पोस्टर भी रिलीज़ किए जा चुके हैं, अब वो निकल चुके हैं। जिस तरह का पुष्पा की कहानी है, यानी कि सैंडलवुड जो लकड़ी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखेंगे और विजय सेतुपति इसमें पुलिस वाले का किरदार करेंगे, तो एक जंगल में ये पूरी फिल्म बननी है, वहीं पर दर्शाना है, तो फॉरेस्ट के लिए ही निकले हैं वो। आंध्र प्रदेश में एक फॉरेस्ट है मरदुमिल्ली और ये राजमुंदरी के सामने ये फॉरेस्ट है, यहीं पर शूटिंग की जाएगी पुष्पा की। और कुछ लोकेशन भी शेयर की गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, यानी कि जंगल का आपको पूरा इलाका इस फिल्म में नज़र आने वाला है। और अब शूटिंग शुरू हो चुकी है तो धीरे धीरे बाकी के अपडेट्स भी आना शुरू होगा, फिल्म से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आएंगी और इस साल के अंत तक तो ये लग रहा है कि फिल्म की शूटिंग हो ही जाएगी। और सुकुमार इसे डायरेक्ट कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर है साउथ इंडस्ट्री के, और साथ ही उन्होंने जो उनकी लास्ट फिल्म थी रंगास्थलम जिसमें रामचरण नज़र आए थे उसे डायरेक्ट किया था। तो पुष्पा को लेकर एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि अल्लू अर्जुन इसमें है, और एक्सपेक्टेशन हाई तब हो जाती है जब डायरेक्टर भी इतने कमाल के हों और उनकी सारी फिल्में सुपर हिट साबित हुई हो। फिलहाल दोस्तों यही अपडेट है कि पुष्पा के शूट के लिए निकल चुके हैं अल्लू अर्जुन और जल्द ही धीरे धीरे शूटिंग शुरू करेंगे और हमें बाकी की तस्वीरें भी साफ होंगी कि क्या चल रहा है पुष्पा के सेट पर। वैसे आपको अल्लू अर्जुन की पुष्पा का कितना इंतजार है, नीचे पुष्पा की हीरो अल्लू अर्जुन और ऐसा क्यों है दोस्तों, और आखिर कौन सी फिल्मों में कैमियो करके दर्शकों का दिल जीता था स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन ने। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गरिमा रोड और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अल्लू अर्जुन की अगली पेशकश पुष्पा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बता दें तेलुगु फिल्म कलाफोटो का प्रीमियर हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म यानी कि आ ऐप पर रिलीज किया गया है और प्रशंसकों आलोचकों द्वारा समान रूप से इसको प्रशंसा भी मिली है। जी हाँ दोस्तों,
फिल्म उद्योग की मशहूर हस्तियों के साथ साथ दर्शकों ने भी फिल्म के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की है। हाल ही में कलर फोटो टीम टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन से मिली, जिन्होंने उन्हें इस तरह की फिल्म बनाने के लिए बधाइयां दी हैं। दोस्तों, यहां तक कि अल्लू अर्जुन ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए ट्विटर पर एक ट्वीट किया, जहां उन्होंने लिखा #कलर फोटो की पूरी टीम को बधाई, बहुत प्यारी प्रेम कहानी और अद्भुत संगीत, भावना और प्रदर्शन के साथ एक भूतिया फिल्म, लंबे समय में एक अच्छी फिल्म देखकर बहुत खुशी हुई। जी हाँ दोस्तों, कलर फोटो का निर्देशन संदीप राज ने किया है और इसमें सुहास और चांदनी चौधरी ने मुख्य भूमिका निभाई है। काला भैरव ने फिल्म के लिए संगीत और पृष्ठभूमि स्कोर की रचना की, जो बड़े पैमाने पर हिट हुई है। दोस्तों, दिग्गज निर्माता अल्लू अरविंद अल्लू अर्जुन के पिता, जो उनके बैनर गीता आर्ट के तहत ब्लॉकबस्टर का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आपके लॉन्च के साथ OTT प्लेटफॉर्म उद्योग में कदम रख लिया है। दोस्तों, अल्लू अरविंद और अल्लू अर्जुन द्वारा आप लॉन्च किया गया था। OTT मंच और गीता आर्ट द्वारा निर्मित फिल्मों को स्ट्रीम करता है और दोस्तों नए कंटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। आहा को कुछ सर्वश्रेष्ठ कंटेंट प्राप्त करने के लिए सराहना की गई है, जो स्पष्ट है कि अच्छी प्रतिक्रिया कला फोटो से मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सबको मालूम है कि अल्लू अर्जुन एक अच्छी फिल्म की सराहना करने के लिए किसी भी अवसर को नहीं चूकते हैं और टीम से मिलने और अपनी प्रशंसा की बौछार करने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल ही लेते हैं। स्टार फिलहाल अपनी आगामी टॉलीवुड फिल्म पुष्पा के साथ व्यस्त हैं। जी हाँ दोस्तों, सुकुमार द्वारा निर्देशित पुष्पा में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इस एक्शन थ्रिलर में निर्णायक भूमिका में प्रकाश राज और जगपति बापू हैं, जिसमें हरीश उत्थमान, वेनिला किशोर और अनीश कुरेवाला सहायक कलाकार नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इस सुकुमार निर्देशित फिल्म में चंदन की स्मगलिंग दिखाई जाएगी, जिसमें अल्लू अर्जुन का किरदार काफी रफ और एक ग्रामीण का होगा। दोस्तों, ये एक गॉन नेटवर्क के रूप में जानी जा रही है। पुष्पा को तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में एक साथ रिलीज करने की योजना के साथ तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, साउथ इंडियन एक्टर अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म पुष्पा की शूटिंग नवंबर से तमिलनाडु के विशाखापट्टनम में शुरू होने जा रही है। फिल्म अर्जुन और सुकुमार के साथ ये तीसरी फिल्म होने वाली है। दोस्तों, सुकुमार तेलुगु इंडस्ट्री के काफी जाने माने डायरेक्टर हैं, वहीं ऐसे ही और 5 बड़े डायरेक्टर्स हैं जो जल्दी एक साथ जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, कन्नड़ फिल्म उद्योग में 5 शीर्ष डायरेक्टर्स योगराज भट्ट, केएम चैतन्य, शशांक, जय तीर्थ और पवन कुमार जी हैं, एक नई फिल्म के लिए एक साथ काम करेंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को और भी दिलचस्प बनाता है कि ये मानव विज्ञान नहीं है बल्कि कमर्शियल फीचर फिल्म होने वाली है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का विचार लॉकडाउन में किया गया और जिसके फलस्वरूप अब कन्नड़ सिनेमा के श्रेष्ठ 5 डायरेक्टर दर्शकों के लिए एक बेहतरीन फिल्म जल्द ही लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, वहीं अल्लू ने सिर्फ मुख्य किरदार ही नहीं बल्कि कैमियो किरदार भी निभाए हैं फिल्मों में, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, 2001 में रिलीज ड्रामा फिल्म दादी में चिरंजीवी, सिमरन, आश्रमा भल्ला मुख्य भूमिका में थे। फिल्म का निर्माण अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने किया था। फिल्म को 2008 में मेरी इज्जत के रूप में हिंदी में भी डब किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें, अल्लू अर्जुन ने गोपी नाम के डांस स्टूडेंट की भूमिका निभाई थी, जिसे एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद शंकर दादा जिंदाबाद 2007 में रिलीज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो 2006 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई की रीमेक है। दोस्तों, फिल्म 2004 की शंकर दादा MBBS नामक फिल्म की अगली कड़ी थी और फिल्म में चिरंजीवी को शंकर दादा के रूप में, श्रीकांत को ATM के रूप में दिखाया गया। और वहीं फिल्म में अल्लू अर्जुन ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, वहीं अल्लू ने 2014 में येवडुक में सत्य के नाम से कैमियो किया था। सत्य का चेहरा एक्सीडेंट में खराब हो जाता है और वहीं फेस सर्जरी के बाद उन्हें रामचरण फिल्म में रिप्लेस करके काजल अग्रवाल की मौत का बदला लेते हैं। दोस्तों, वहीं अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म पुष्पा में होगी 3 खूबसूरत हीरोइनें। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में जहाँ रश्मिका एक पुलिस वाली की भूमिका निभाती नजर आने वाली हैं, जिसकी तैयारी के चलते उन्हें जिम में पसीना बहाते हुए भी देखा गया है। दोस्तों, वही फिल्म से साई पल्लवी भी जुड़ सकती हैं। रश्मिका ने पहले ही अपनी कन्नड़ फिल्म पोगरव और सुल्तान को खत्म कर लिया है और अब एक्ट्रेस जल्द ही फिल्म पुष्पा की शूटिंग के लिए विजाग खाना होगी। साई पल्लवी फिल्म में बॉलीवुड बनी की बहन के किरदार में दिखाई दे सकती हैं। वही एक और नाम है जो हिंदी इंडस्ट्री से सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के एक आइटम सॉन्ग के लिए बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा श्रद्धा कपूर भी फाइनल की जा चुकी हैं और ये पहली बार होगा जब 3 अलग भाषाओं की हीरोइन एक साथ ही एक
हीरो से जुड़ती नजर आएंगी। दोस्तों रश्मिका जहा तेलुगु फिल्मों की सुपरस्टार हैं, वही साई पल्लवी कन्नड़ फिल्मों में काफी लोकप्रिय हैं और साथ ही दोस्तों श्रद्धा कपूर का भी बॉलीवुड में काफी नाम है। श्रद्धा ने इससे पहले साहो से अपना टॉलीवुड डेब्यू किया था जिसमें उनके साथ फिल्म बाहुबली के मशहूर एक्टर प्रभास नजर आए थे। दोस्तों वहीं श्रद्धा पहली बार अल्लू अर्जुन के साथ एक साथ में दिखाई देने वाली हैं, तो क्या टॉलीवुड को रास आएगी महाराष्ट्र की मुलगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों हमें जरूर बताइएगा पुष्पा का 6 करोड़ का छप्पड़फाड़ एंट्री सीक्वेंस होगा या नहीं होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा अल्लू अर्जुन के किरदार पर 3 हीरोइंस के होने से, आपको क्या